जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिंदी किससे संबंधित मॉक टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट चार विकल्पों के आधार पर होगा, आपको एक का उत्तर चयन करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जो है सब्सक्राइब आपको करना है, और पिछले वाले वीडियो भी आप मॉक टेस्ट पर आधारित ये जो निरंतर सीरीज चल रही है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और एक और खास बात, आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है जहां पर मैं सारी पीडीएफ उपलब्ध करवाता हूं, तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, उसमें सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन आप हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों हमारा जो सबसे पहला प्रश्न होगा वो क्या होगा, देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी में कर्ता कारक के अलावा कौन सा कारक है। अब आपको बताना है, आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता कारक के अलावा कौन सा है, जल्दी से लिखें। इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक, विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, राम द्वारा चाय पी गई में वाच्य है। अब आपको यहाँ पर वाच्य बताना है, कौन सा वाच्य है, तो जल्दी से कमेंट में लिखें इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कर्मवाच्य। राम द्वारा चाय पी गई में जो वाच्य होगा वो कर्मवाच्य होगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, जल्दी से लिखें। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर दोनों क्वेश्चन बनते हैं, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, सरल वाक, संयुक्त वाक और मिश्र वाक, ये 3 वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। अगला प्रश्न है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, वाक्य है। अब आपको बताना है कैसा वाक्य है, जल्दी से लिखें, कमेंट में लिखें। तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, विकल्प नंबर 1 संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाच्य का चयन कीजिए। अब भाववाच्य का हमें चयन करना है, तो आपने वाच्य पढ़े होंगे, वाच्य पूछे भी जाते हर एग्जाम में, जल्दी से लिखें कमेंट में। आपको विकल्प नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके आपको लिखते जाना है। उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, यहाँ बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हो सकता है राम का काम बन जाए, वाक्य है, कैसा वाक्य है, जल्दी से लिखें कमेंट में। सभी को पता है, सभी ने पढ़े भी हैं वाक्य, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है दाम लगाना का अर्थ है, दाम लगाना का क्या अर्थ है, तो 4 विकल्प में से आपको उत्तर बताना है, एक उत्तर बताएं यदि कमेंट में लिखें। दाम लगाना का अर्थ है विकल्प नंबर 1 मूल्य आंकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का नीर ढल जाना का अर्थ है, जल्दी से। सभी व्याकरण, पूरी व्याकरण में से इस टेस्ट में प्रश्न लिए गए हैं, मुहावरे, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, संधि, समास, भाषा, सभी लिए गए हैं। तो आंख का नीर ढल जाने का अर्थ निर्लज्ज हो जाना, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है, ये परिभाषा किसने दी है, तो जल्दी से लिखो कमेंट में, आपको पता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 आचार्य विश्वनाथ ने दी है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। हिंदी साहित्य का 9 वर्ष कौन सा है, जल्दी से बताएं, 9 वर्ष, 8 रस भरत मुनि ने माने और 9 वर्ष कौन सा है वो आपको बताना है, जल्दी से आपने लिख दिया होगा कमेंट में। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 शांत रस, ये 9 वर्ष माना गया है, भरत मुनि ने इसे रस नहीं माना। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है, तो जल्दी से आपको लिखना है किसका उल्लेख नहीं है, तो सभी को पता ही है उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 शांत रस का उल्लेख नहीं है भरत मुनि के रस सूत्र में। नेक्स्ट, निम्न में से सम्मात्रिक छंद कौन सा है, जल्दी से बताएं, छंद आपने पढ़े होंगे, सम्मात्रिक छंद यहाँ पर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से लिखें, उत्तर होगा चौपाई। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, है ना, और ये सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, और शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, तो दोहे से उल्टा छंद कौन सा है, जल्दी से, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है,
दोहे से उल्टा जो छंद है, विकल्प नंबर चार इसका सही होगा, सोर था। नेक्स्ट है, चरण कमल बंदों हरिराई में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताएं कौन सा अलंकार है चरण कमल बंदों हरिराई में, कई बार पूछा गया है, कमेंट में आपने लिख लिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीन, रूपक। चरण कमल बंदों हरिराई में रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से लिखना है आपको कमेंट में, एक दो तीन चार इस प्रकार से लिखते जाएं। जल्दी से इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजा भोज का सपना की रचनाकार कौन है? ये रचना है राजा भोज का सपना, इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है, आपने कमेंट में लिख दिया होगा। उत्तर है विकल्प नंबर दो, शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्या है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है बताना, एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जल्दी से लिखें कमेंट में। उत्तर इसका सही होगा यक्षराज, कामदेव का पर्यायवाची नहीं है यक्षराज। ठीक है, विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से महादेव का पर्यायवाची नहीं है, महादेव का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीन, माधव। माधव जो है महादेव का पर्यायवाची नहीं है, माधव विष्णु का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है बताना है कौन सा है, तो जल्दी से जल्दी जल्दी बताएं, सभी लोग कमेंट में बता रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया जी, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा शार्दुल, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल। नेक्स्ट है, सम्मुख का विलोम क्या होगा? जल्दी से लिखे सम्मुख, सम्मुख का विलोम बताना है, चार विकल्प है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, विमुख। सम्मुख का विलोम हो जाएगा विमुख। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मौन का विलोम क्या होगा? मौन का विलोम आपको बताना है, मौन का विलोम जल्दी से लिखें, मौन का विलोम हो जाएगा मित्रों विकल्प नंबर एक, मुखर। मौन का विलोम होगा मुखर। अगला हमारा प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखते जाएं, देश प्रेम में कौन सा समास है, तो उत्तर होगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, महोदय में कौन सी संधि है? जल्दी से आपको बताना है कौन सी संधि है महोदय में, तो सभी ने कमेंट में लिख दिया है, इसका सही उत्तर होगा गुण संधि। महोदय में जो संधि है वो हो जाएगी गुण संधि। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, चार विकल्प में से कर लिया आपको विकल्प, जल्दी से कमेंट में लिखें, एक दो तीन कौन सा आपका सही उत्तर है। उत्तर इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर तीन, अधर्म, जो लिखा है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? जल्दी से कमेंट में लिखें, ए आई जो वर्ण है क्या कहलाते हैं, चार विकल्पों में से एक का चयन करना है, इसका सही उत्तर होगा कंठ तालब। कंठ तालब कहलाते हैं ए आई वर्ण। नेक्स्ट है, अघोष वर्ण कौन से हैं? जल्दी, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष और सघोष आपने पढ़े होंगे, इसका सही उत्तर भी आपको ही बताना है, विकल्प नंबर आपको लिखना है एक दो तीन करके, विकल्प नंबर तीन इसका सही होगा सा, अघोष वर्ण है सा। नेक्स्ट है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जल्दी से बताएं, हिंदी भाषा सभी लोग पढ़ते हैं और सभी ने पढ़ा है, तो इसका सही उत्तर होगा भारोपीय। और आपको पता होगा जो भारोपीय भाषा परिवार है सबसे बड़ा परिवार है, और हिंदी भी किसी के इसी भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है कौन सी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपको, यहाँ पर बताना है, आपसे भी पूछा जा रहा है, तो कमेंट एक दो तीन चार करके जल्दी से लिखें फटाफट। उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर तीन, मराठी। कौन सी भाषा देवनागरी लिखी जाती है? तो मराठी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो, पाली जो है वो संस्कृत की अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में
किस विषय का वर्णन है। आपको बताना है चार विकल्प में से, विकल्प नंबर 1, 2, 3, 4 आप लिख सकते हैं कमेंट में, जल्दी से लिखें फटाफट। 351 में कौन सा विषय वर्णन है, कौन से विषय का वर्णन है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निर्वासित में प्रत्यय है, आपको बताना है निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से लिखें जी। बहुत बढ़िया, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, इत प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से लिख रहे हैं कमेंट में, उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, क्रिया। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, आपको रूढ़ शब्द बताना, आपने पढ़े होंगे रूढ़, योगिक, योग रूढ़, इनमें से आपको रूढ़ शब्द बताना है कौन सा है, तो जल्दी से कमेंट में बताते जाएं। उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प नंबर 2, वैभव, रूढ़ शब्द जो है वो वैभव हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं आपको कमेंट में लिखना है, इसका सही उत्तर होगा यौगिक, स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 आपको यहाँ पर लिखना है कौन सा आपका उत्तर सही है, आपने लिख दिया है तो उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर 4, देशज जो है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, देशज तद्भव तत्सम सभी शब्द आपने पढ़े हैं। अपील शब्द है, अपील कैसा शब्द है, जल्दी से लिखें अपील शब्द कैसा है, तो उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 3, विदेशज। ठीक है, विदेशज शब्द है अपील, हम अपील करते हैं, याचिका लगाते हैं। ठीक है, ये विदेशज शब्द हो जाएगा। किसी भाव गुण दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं ये चीज आपको बतानी है यहाँ पर, तो जल्दी से बताएं किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, 4 विकल्प में से एक का चयन आपको करना है, जल्दी से लिखें, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, आपने कमेंट में लिख दिया होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, भाववाचक संज्ञा, क्या होगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, यहाँ पर दिया है वृक्ष पर, तो कौन सा कारक होगा, कारक आपने पढ़े होंगे, 4 विकल्प में से आपको एक विकल्प का चयन करना है सही उत्तर का, तो आपने चयन कर लिया होगा, कमेंट में लिखते जाएं जल्दी से, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 3, अधिकरण कारक, वृक्ष पर पक्षी बैठे इस पर जो उत्तर होगा अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है अविकारी शब्द होता है, आपने बेकारी अविकारी शब्द पढ़े होंगे, अविकारी शब्द आपको बताने हैं कौन से होते हैं, अविकारी शब्द जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता वे अविकारी शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं अव्यय, जिनके लिंग वचन आदि के द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं होता अव्यय में, ऐसे अव्यय जो है वो अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, निश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है, अब आपको निश्चय वाचक सर्वनाम आपने पढ़े होंगे, 6 प्रकार के होते हैं और निश्चय वाचक सर्वनाम यहाँ पर बताना है, जल्दी से बताएं, 4 विकल्प में इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, यह जो है वो निश्चय वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला हमारा प्रश्न है विशेषण के कितने प्रकार है, आपने विशेषण पढ़े होंगे, जल्दी से कमेंट में लिख दें कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शब्द से विशेषण बनेगा, अब मानव शब्द से आपको विशेषण बनाना है, क्या विशेषण बनेगा या क्या विशेषण होगा मानव शब्द का, तो जल्दी से लिखें, 4 विकल्प भी मौजूद हैं, उत्तर इसका सही क्या हो जाएगा, उत्तर होगा मित्रों विकल्प नंबर 2, मानव शब्द का जो विशेषण बनेगा वो मानवीय बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, अब यहाँ पर हमें विशेषण है बताना है, तो कौन सा शब्द है विशेषण, 4 में से
एक का चयन आप जल्दी से कमेंट में लिख दें। और जी तो कमेंट में लिखते जाएं फटाफट, उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर एक, निपट जो है वो विशेषण शब्द है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अब आपने काल पढ़े होंगे, सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, एक काल पढ़े होंगे, इनके भी भेद होते हैं, वो भी आपको पढ़ना है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण यहाँ पर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट में आप लिखें। चार विकल्प में से एक, दो, तीन, चार ऐसे करके आप लिख सकते हैं कमेंट में। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चार, वह कलकत्ता जाता है, यह सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। अब आपने विशेषण पढ़ा होगा, क्रिया विशेषण यहाँ पर बताना है, तो जल्दी से लिखें कमेंट में। कमेंट में एक, दो, तीन, चार करके इस प्रकार से लिखते जाएं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चार, धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, सुमित सो रहा है मैं कौन सी क्रिया है। जल्दी से चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, तो चार में से एक का चयन करना है, तो उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक अकर्मक एक क्रिया के जो है भेद आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगर क्रिया आपसे नहीं बनती है तो कमेंट में, जो भी टॉपिक नहीं बनते हैं वो कमेंट में लिखते जाएं, उसके हम पूरा आपको करवाएंगे, ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। शेर का पर्यायवाची शब्द है, शेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। चार विकल्प में से एक का चयन करें जल्दी फटाफट, शेर का पर्यायवाची क्या होगा। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर दो, केसरी। केसरी जो है वो शेर का पर्यायवाची होता है। अभी फिल्म आई थी केसरी, है ना, देखी होगी सभी ने। और उत्तर होगा केतु का पर्यायवाची शब्द है। केतु का आपको बताना है, जो प्रश्न हमारा है वो केतु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, जल्दी से लिखें। लिख दिया कमेंट में, उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, झंडा। केतु का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा, झंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर नहीं है बताना है, तो कौन सा नहीं है असुर का, जल्दी जल्दी लिखें। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर दोस्तों एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर असुर नहीं लिखा, वहां पर हनुमान लिखा है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है बताना है, तो सभी को पता होगा, है ना, जो विकल्प है वो सही है, विकल्प नंबर दो इसका सही होगा, विनायक। विनायक हनुमान जी का जो है पर्यायवाची नहीं होता, अंजनी पुत्र कहा जाता है, मारुति कहा जाता है, पवन सुत कहा जाता है, लेकिन विनायक नहीं कहा जाता, मतलब इसका विकल्प नंबर दो सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थावर का विलोम शब्द है, जल्दी से लिखें, स्थावर का विलोम शब्द लिखना है, तो क्या हो जाएगा स्थावर का, इसका सही उत्तर आपने लिख दिया। कई बार पूछा गया स्थावर, उत्तर होगा विकल्प नंबर चार, जंगम। स्थावर का जो विलोम होता है वो जंगम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, गरिमा का विलोम शब्द बताना है, जल्दी से लिखें, गरिमा का विलोम शब्द लिखना है, स्थावर, जंगम, गरिमा, ये सभी कई बार पूछे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, लघिमा। लघिमा जो हो जाएगा वो गरिमा का विलोम होगा। नेक्स्ट है, मृदुल का विलोम शब्द बताना है, मृदुल, तो मृदुल का जल्दी से बताएं क्या होगा, मृदुल का उत्तर हो जाएगा रूक्ष। मृदुल का विलोम रूक्ष लिया जाता है, है ना। नेक्स्ट है, जहां पहुंचाना जैसे के का जो है क्या होगा, जहां पहुंचाना जा सके उसे क्या बोलेंगे, एक बात में आपको उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो कौन सा स्थान होगा जहां पहुंचाना जा सके उसे हम क्या बोलेंगे, दुर्गम, दुर्गम स्थान है बोले वो, तो है ना। नेक्स्ट है, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाएगा, जल्दी से बताएं उत्तर इसका कमेंट में, जल्दी से लिखते जाएं, एक दो तीन चार ऐसे करके जो भी आपका उत्तर सही है वो लिखते जाएं। उत्तर होगा समीक्षक, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कर्तृवाच्य का चयन कीजिए। आपने वाच पढ़े होंगे, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, ये वाच पढ़े होंगे, कर्तृवाच्य का चयन करना है, जल्दी से कर लें फटाफट। उत्तर भी आपको कमेंट में लिखना है, एक दो तीन चार विकल्प नंबर, उत्तर सही हो जाएगा विकल्प नंबर एक, मोहन पुस्तक पढ़ता है,
ये कर्तरीवाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। अर्थ के आधार पर वाक्य है। अब आपने अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य पढ़े होंगे। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर अर्थ के आधार पर बताना है तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर 4 आज्ञावाचक। ठीक है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ आज्ञावाचक है। गाल बजाना का अर्थ क्या है, अब आपको बताना है जल्दी से। इस प्रकार के मुहावरे कई बार पूछे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से लिखें कमेंट में। उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका विकल्प नंबर 4 डींग हाँकना। गाल बजाना मतलब डींग हाँकना, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कान काटना, मुहावरे का अर्थ है। जल्दी जल्दी से बताएं, मुहावरे तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, कान काटना मुहावरे का अर्थ बताना है तो उत्तर इसका चतुर होना। कान काटना मतलब चतुर होना, विकल्प नंबर 2 इसका सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है माधुर गुण का रस में किस रस में प्रयोग होता है, जल्दी से लिखें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 2 श्रृंगार रस में माधुर गुण का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है। यहाँ पर क्या लिखा है, निराल, इसको निराला कर दो। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है, जल्दी से बताएं काय का उदाहरण है। कमेंट भी आपके सामने मौजूद है, जल्दी फटाफट लिखते जाएं। उत्तर इसका होगा मुक्त छंद, है ना। निराला जी, इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और निराला जी को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। इनकी एक जो रचना है जूही की कली, ये मुक्त छंद प्रधान रचना मानी जाती है। नेक्स्ट है अर्थसम मात्रिक जाति का छंद है, कौन सा है जल्दी से लिखें। इसका छंद आपने पढ़े होंगे, उत्तर क्या होगा विकल्प नंबर 2 दोहा जो है ये अर्थसम मात्रिक जाति का छंद कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है। कोई भी प्रतिबंध ना हो उसमें, ना वर्ण का ना मात्रा का, तो वो कहलाता है मुक्त छंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर अलंकार भी पूछे गए हैं, छंद भी पूछे गए, मुहावरे लोकोक्ति वचन सारे के सारे हम पढ़ रहे हैं रेगुलर। तो नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है जल्दी से लिखते जाए। उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 उल्लेख अलंकार है, नयम नवल सुंदर श्याम शरीर। नेक्स्ट है जहां बिना कारण के जो है कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। बिना कारण के भी कार्य हो रहा है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, बिना कारण के भी कार्य हो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां होता है दोस्तों विभावना अलंकार, मतलब विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर 4 नंद दुलारे वाजपेयी का एक कथन है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हैं। अब आपको बताना है अशोक के फूल तो कई बार पूछे गए हैं और ये अशोक के फूल एक नहीं हजारों फूल होते हैं, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध होगा, विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रजबूढ़ी नाम से जानी जाती है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया ब्रजबूढ़ी। अब यहाँ पर ब्रज भाषा मत समझ लेना, ब्रजबूढ़ी दिया है ये बंगाल, पुरानी बंगला को कहा जाता है ब्रजबूढ़ी, है ना, पुरानी बंगला को ब्रजबूढ़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है मगही किस उपभाषा की बोली है, जल्दी से लिखें। मगही आपने पढ़े होंगे, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 बिहारी, बिहारी हिंदी की उपभाषा है मगही, याद रखो। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, तो 4 विकल्प में से एक का चयन करना है, विकल्प नंबर इसका सही क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी लिखते आए कमेंट में। उत्तर होगा दोस्तों इसका विकल्प नंबर क्या 1 343 से 351 तक के जो अनुच्छेद हैं ये भाषा से संबंधित हैं। तो याद रखो आप शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी भी पूछी जाती है एग्जाम में हमेशा, और उत्तर
इसका सही होगा विकल्प नंबर दो, अंतर्धान जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा उद्धरण का सही संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद भी पूछा जाता है तो उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा, सभी ने पढ़े हैं, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर दो, उद्धरण हरण बराबर क्या होगा, उद्धरण हो जाएगा। ठीक है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, जल्दी से बताएं। चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है आपको बताना है, जल्दी से लिखें। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर एक, साहित्यक पुस्तकों की जो भाषा है वो मानक हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है, तो जल्दी से कमेंट में लिखें किस भाषा को देसी हिंदुस्तानी कहा है ग्रियर्सन साहब ने, तो किसे कहा है, जल्दी कमेंट में एक दो तीन आप लिखते जाएं, खड़ी बोली हो जाएगा विकल्प नंबर एक इसका सही उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है, वाक का शब्द युग्म, यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्न में से क्या होगा। प्रश्न जरा अच्छे से पढ़ लें, आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, विकल्प नंबर एक दो तीन चार पांच ऐसे करके लिख करके बताना है, तो आपका उत्तर क्या होगा, वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्न में से क्या होगा, जल्दी से लिखें। क्वेश्चन थोड़ी सा कठिन है लेकिन आपने पढ़ा है दोस्तों, आपके लिए कुछ कठिन नहीं है, इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन, वाक्य। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहारी बंगाली उड़िया और असमिया भाषाओं का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ है, जल्दी से लिखें कमेंट में, तो एक दो तीन जल्दी से लिखते जाएं, जी विकल्प लिखते जाएं, विकल्प नंबर कौन सा आपका सही है, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीन, मागधी अपभ्रंश से बंगाली बिहारी उड़िया असमिया आदि भाषाओं का जन्म हुआ है। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, जल्दी से कमेंट में लिखें, जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट में लिख रहे हैं। उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर एक, मगही जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, कुछ लोग गलत जरूर करवाते हैं लेकिन उत्तर इसका सही क्या है विकल्प नंबर दो, वर्ण। वर्ण जो होती है, वर्ण जो होता है वो भाषा की लघुत्तम इकाई के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अयोगपाह वर्ण कौन से हैं, जल्दी से लिखें कमेंट में, अयोगपाह वर्ण कौन से हैं, तो चार विकल्प में से अयोगपाह वर्ण बताना है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, अम और अहा, इन्हें हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, सा 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 और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, जल्दी से लिखें, ये व्यंजन आप पढ़ते होंगे, कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो कमेंट में लिख दिया आपने, जहां जल्दी से लिखते जाएं और भी सही बता रहे हैं आप लोग, उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, फटाफट कमेंट में लिखें, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ, आपने वर्ग के जो पांच पांच अक्षर होते हैं हर वर्ग में वो पढ़े होंगे, अब द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं आपको बताना है, इसका सही उत्तर होगा महाप्राण, एक तीन और पांच ये कहलाते हैं अर्ध प्राण और द्वितीय और चतुर्थ कहलाते हैं महाप्राण, इनको आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो जल्दी से लिखें कमेंट में उत्तर इसका सही क्या होगा, जल्दी जल्दी लिखते जाएं, एक दो तीन चार ऐसे करके आपको लिखना है, उत्तर होगा तालु, चवर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु, जल्दी से। नेक्स्ट है, तत् धनमय बराबर क्या होगा तन्मय, कौन सी संधि होगी, जल्दी से बताएं, आपने संधि तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो कमेंट में लिखें, मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा संधि, तत् धनमय तन्मय कौन सी संधि होगी, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर दो, व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सम धन आस समास में बराबर समास हो जाएगा में कौन सी संधि होगी, जल्दी से लिखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में आपको लिखना है, जल्दी से लिखते जाएं, बहुत सारे लोगों का सही उत्तर आ रहा है, उत्तर इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मुनींद्र में कौन सी संधि होगी, तो आपको कमेंट में लिखना है मुनींद्र में कौन सी संधि होगी, तो इसका प्रश्न उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी मुनींद्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तऋषि में कौन सी संधि है? जल्दी से लिखें, सप्तऋषि में आपको बताना है कौन सी संधि है। हाँ जल्दी से लिखते जाएं कमेंट में। उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, गुण स्वर संधि हो जाएगी इसमें सप्तऋषि में। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से, चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, चार में से एक का चयन करना है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर संकलन किया गया है। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, नीरोग का संधि विच्छेद होगा, नह धन रोग बराबर निरोग हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, ऐसे पद जिनमें दोनों पद आवश्यक हों या एक दूसरे के विपरीत हों किस समास के अंतर्गत आएंगे? जल्दी से लिखें, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल के एग्जामों में, तो आपने पढ़े होंगे। उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर 2, द्वंद समास। द्वंद समास में आपको क्या देखना है, ऐसे पद जिनमें दोनों पद आवश्यक हैं एक दूसरे के विपरीत हैं वहां पर द्वंद समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आनंद मग्न में कौन सा समास है? जल्दी से लिखें कमेंट में। यहाँ पर आपने देखा सबसे हमने भाषा से प्रश्न लिए, वर्णमाला से लिए, संधि, फिर उसके बाद समास आ गया। अब समास में से आपको क्वेश्चन बताना आनंद मग्न में कौन सा समास है। उत्तर होगा अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास के सामासिक पदों में विभक्ति से अलग होने का लोप होता है? तो किस समास में होता है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन यहाँ पर किया गया है दोस्तों आपके लिए, तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आपने समास पढ़े होंगे, परिभाषा भी पढ़ी होगी, कमेंट में भी लिखते जाएं, है ना, सभी लोग लिखें तो बहुत अच्छा लगेगा। और उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर 3, अव्यय भाव समास। ठीक है, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है अव्यय भाव समास का होता है। किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? जल्दी से लिखें, सभी लोग जानते हैं, सभी पे बनता है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से लिखें। उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, द्विगु समास हो जाएगा, संख्यावाची होता है इसका पहला पद। नेक्स्ट है, औ उपसर्ग का अर्थ बताइए। औ उपसर्ग का अर्थ बताना, अब आपने संस्कृत के 22 उपसर्ग पढ़े होंगे, हिंदी के पढ़े होंगे, उर्दू के और अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़े होंगे। इन उपसर्गों में से अब जो पैटर्न है प्रश्नों आने का वो यही है, अब इसका अर्थ पूछ लिया जाता है कि औ उपसर्ग का अर्थ क्या है, तो आपने उत्तर लिख लिया है। हाँ उत्तर हो जाएगा औ उपसर्ग का अर्थ है हीन। अब आपको उपसर्ग के जो है अर्थ भी याद करना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा हिंदी का उपसर्ग है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। हिंदी का उपसर्ग भी यहाँ पर बताना है, चार में से आपने उपसर्ग आपने पढ़े होंगे, आपको 22 उपसर्ग संस्कृत की याद करना है, 13 हिंदी की याद करना है, ठीक है, उर्दू के अलग अलग करना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो कौन सा हिंदी का उपसर्ग है, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, अन जो है वो हिंदी का उपसर्ग है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में उर्दू के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जल्दी से कमेंट में लिखें। उर्दू के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किस शब्द में हुआ है, चार विकल्प में से एक का उत्तर आपको लिखना है। थोड़ा सा टाइम आपको जरूर दूंगा क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। उत्तर सही हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 1, ना समझ में जो है उर्दू उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, बेशब्दांश जो केवल क्रिया मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं? जल्दी से लिखें, चार विकल्प में से आपको एक चयन करना है, उसमें भी आपको 1, 2, 3, 4 उत्तर लिखकर बताना है। उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर 1, कृत प्रत्यय हो जाएगा जो मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जल्दी से लिखें, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है किस शब्द में हुआ है, चार विकल्प भी मौजूद हैं। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 3, धनक में जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दोस्तों अगर आप प्रत्यय पढ़ेंगे अच्छे से तो प्रत्यय जब हम इनका विच्छेद करें तो उन दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए जिनको हम अलग अलग करके पहचानते हैं कि किसमें प्रत्यय है कि नहीं। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बताइए, कई बार भी पूछा गया है, चार विकल्प भी मौजूद हैं, चार में से इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, प्रति जो हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति का सही इसमें उपसर्ग हो जाएगा प्रति।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है। अब कृदंत प्रत्यय भी और तद्धित प्रत्यय आपने पढ़े होंगे, तो कृदंत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है आपको बताना है। जल्दी से लिखें, लिखते जाएं कमेंट में, एक दो तीन चार आपको बताना है। जो लोग बहुत अच्छा, कुछ लोग सही बता रहे हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, बिकाऊ में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। जल्दी से लिखें, तत्सम, उत्तद्भव, देशज, विदेशी, ये सारे के सारे शब्द आपने पढ़े हैं। तत्सम शब्द भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो रोशनी यहाँ पर लिखा है कि तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा, विकल्प नंबर दो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। जल्दी से आपको लिखना है तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर एक, संयम जो लिखा है कि तद्भव शब्द है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जल्दी से लिखें, संज्ञा सर्वनाम आपने सभी ने पढ़े हैं, अर्थ के आधार पर आपको बताना है, तो चार विकल्प में से एक का उत्तर बताना है, उत्तर सही हो जाएगा इसका पांच। अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो पांच प्रकार की संज्ञा होती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिठास में कौन सी संज्ञा है। जल्दी से बताएं कौन सी संज्ञा है मिठास में। जल्दी से चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, उत्तर इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर एक, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मिठास में जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निर्जीव वस्तुओं में हमेशा कौन सी संज्ञा होती है। जल्दी से कमेंट में लिखें, जैसे हम मान के चलें टेबल है, वॉच है, इस प्रकार की जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें कौन सी संज्ञा होती है हमेशा, तो कौन सी होती है। जल्दी से लिखें, आपने पढ़ी होंगी, परिभाषाएं पढ़ी होंगी, नियम पढ़े होंगे, उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। जब हम टेबल की बात करते हैं तो पूरी टेबल की जाति का यहाँ पर वो लिया जाता है, घड़ी की बात करते हैं तो पूरी घड़ी जाति का बोध होता है, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। जल्दी से चार कमेंट हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम आपने पढ़े होंगे छह प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं ये भी आपको पढ़ना है, उत्तर हो जाएगा तीन, है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो मेहनत करेगा सुफल मिलेगा में सर्वनाम है, तो सर्वनाम भी आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है, जो मेहनत करेगा सुफल मिलेगा। जल्दी से लिखें कमेंट में, बहुत सारे लोग सही उत्तर बता रहे हैं, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर एक, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के भेद भी यहाँ पर बताना है। अभी हमने सर्वनाम के भेद पढ़े, संज्ञा के भेद पढ़े, अब विशेषण के भी भेद बताना है, तो कितने भेद होते हैं विशेषण के, चार भेद होते हैं दोस्तों, विकल्प नंबर एक इसका सही होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। अब चार विकल्प में से हमें एक का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे, जल्दी से बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट के माध्यम से जल्दी जल्दी बताते चलें। उत्तर हो जाएगा इसका प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है। अब आपको बताना है, विशेषण आपने पढ़े होंगे, विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो वो कौन सा वाक्य है, जल्दी से कमेंट में बताते जाएं। जी बहुत अच्छा, उत्तर इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर चार, यह स्थान बहुत अच्छा है, ये जो विकल्प नंबर चार है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, जल्दी से बताएं। अभी हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ते आए हैं, अब आपको रचना के आधार पर क्रिया के भेद भी बताना है यहाँ पर, जल्दी से लिखें रचना के आधार पर क्रिया के भेद, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, विकल्प नंबर एक, दो रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, दो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, आपको पता होगा, ठीक है। राम नहाकर खाना खाता है में क्रिया है, जल्दी से बताएं, आपको क्रिया आपने पढ़ी होगी, क्रिया अकर्मक और सकर्मक कैसे होती है वो भी आपने पढ़ी होगी, जल्दी से कमेंट में लिखें, उत्तर होगा पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया पूर्ण होने के बाद दूसरी क्रिया होती है वहां पर होती है पूर्वकालिक क्रिया, तो राम नहाकर खाना खाता है, इसमें क्या है विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं मैं कौन सी क्रिया है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, जल्दी लिखें फटाफट,
तो इसका सही उत्तर देखें, जल्दी लिखते जाएं कमेंट में। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो, अकर्मक क्रिया, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। दोस्तों अगर आपसे क्रिया नहीं बनती है, कैसे पहचाने अकर्मक और सकर्मक, तो कमेंट में लिखें, मैं क्रिया का पूरा एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। धातु के कितने भेद होते हैं, जल्दी से लिखें, धातु भी आपने पढ़ी होगी, धातु के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा धातु के दो भेद होते हैं, तो मूल धातु और एक यौगिक, ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट है भूतकाल के कितने भेद होते हैं, जल्दी से लिखें, भूतकाल के भेद आपको बताना है, कितने भेद होते हैं भूतकाल के, कमेंट में लिखें। उत्तर इसका सही होगा, भूतकाल के होते हैं 6 भेद। जी हाँ दोस्तों, आपने काल पढ़े होंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इन कालों में से आपको बताना होता है। शायद मोहन आया हो में काल है, कौन सा काल है, जल्दी से लिखें कमेंट में। तो चार विकल्प में से 1, 2, 3, 4 आपको कमेंट में लिखते जाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, सामभाव वर्तमान काल हो जाएगा इसका, शायद मोहन आया हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहन पढ़ता तो पास होता, किस काल का उदाहरण है, जल्दी से लिखें। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हो रहे हैं लेटेस्ट, सभी में पूछे जा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से लिखें, जी कमेंट में लिखते जाएं। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 1, हेतु, हेतुम पद, भूतकाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहन पढ़ता तो पास होता। नेक्स्ट है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, जल्दी से लिखें वर्तमान काल के। उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों विकल्प नंबर 2, 5 जो है भेद होते हैं वर्तमान काल के। अगला हमारा क्वेश्चन है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, जल्दी से लिखें, जो काम का नाम बताते हैं कमेंट में लिखें। इसका सही उत्तर देखते हैं, देखें सही उत्तर, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, क्रिया, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बेकारी शब्द कौन से हैं, जल्दी से आपको कमेंट में लिखते जाना है। टेस्ट निरंतर चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज निरंतर चल रही है, बेकारी शब्द आपको बताना है, बेकारी और अबेकारी पढ़े हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है ना, अबेकारी शब्द जिनका लिंग वचन आदि के कारण बेकार उत्पन्न नहीं होता जिन शब्दों में, उन्हें अबेकारी शब्द कहते हैं, और जिनमें बेकार उत्पन्न होता है उन्हें बेकारी शब्द कहते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये बेकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, अब आपको बताना है सामान्य भूतकाल में कौन सी वाक्य में क्रिया है, जल्दी से 1, 2, 3, 4 कमेंट में लिखें कौन सा आपका सही उत्तर है। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, उसने पुस्तक पढ़ी, ये वाक्य जो है सामान्य भूतकाल में है। अगला हमारा जो प्रश्न है, वह चुपके से जा रहा था, रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है, क्रिया पढ़ी होगी आपने, क्रिया विशेषण पढ़ी होगी, जल्दी से लिखें कमेंट में किस भेद का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 4, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसका सही उत्तर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, जल्दी से लिखें कमेंट में, इसका सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण आपने पढ़े हैं, तो उत्तर बताएं, यहां से धीरे धीरे हो जाएगी। दोस्तों जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं जहां से हमारा जो है सिलेक्शन रुकता है, इस प्रकार के अंदर से भी क्वेश्चन पढ़ना है। क्रिया विशेषण होता है क्या होता है, जल्दी से लिखें, मूल, विकारी, अविकारी, इनमें से कोई नहीं, उत्तर उसका सही हो जाएगा अविकारी। अगला क्वेश्चन जो है नियति का समानार्थी होगा, नियति का समानार्थी क्या होगा, जल्दी कमेंट में आपको बताना है, जल्दी से लिखें, जी लिखते जाएं सभी लोग, अपना अपना आकलन करते जाएं, जब आप लिखते हैं तो ज्यादा याद हो जाता है, नियति का समानार्थी होगा भाग। नेक्स्ट है अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, दोस्तों एक बार कमेंट में बता देना, अगर आपने पेपर देखे होंगे पिछले, तो अर्वाचीन अनेकों बार पूछा गया है, अर्वाचीन का विलोम, और आपको पता भी होगा अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, उत्तर होगा इसका प्राचीन, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट है उन्मीलन का विलोम क्या होगा, जल्दी से लिखें कमेंट में, उन्मीलन का विलोम आपको विलोम बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखते जाएं, उत्तर सही होगा निमीलन, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शाश्वत का विलोम क्या होगा, शाश्वत का विलोम आपको बताना है, शाश्वत का विलोम जल्दी से लिखें, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 नस्वर, शाश्वत का विलोम होगा नस्वर। नेक्स्ट है निश्चित समयावधि में
होने वाला आदेश क्या कहलाता है, निश्चित समयावधि में होने वाला जो आदेश है वो क्या कहलाता है, जल्दी से चार कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से लिखें, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर दो, अध्यादेश। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश अध्यादेश कहलाता है। मन को लुभाने वाली वस्तु क्या कहलाती है, जल्दी से बताएं, क्या बोलेंगे हम जो मन को लुभाने वाली वस्तु हो उसे क्या कहेंगे, तो उसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चार, मनोहर। अब याद रख लेना है ना, यहाँ पर विचलित नहीं होना, मनोहर जो मन को हरने वाली, मतलब मन को लुभाने वाली, मन को हरने वाली, उसे मनोहर ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पीड़ा, उपीड़ा का सही अर्थ आपको बताना है क्या है, तो जल्दी से लिखें, चार विकल्प में से एक का चयन आपको करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर तीन, पीड़ा। एक पीड़ा का अर्थ है चौक दर्द, और दूसरी जो पीड़ा लिखा है उसका अर्थ है चौकी, ठीक है, याद रखो इस प्रकार से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अंत और अंत्य में अंतर है, तो जल्दी से कमेंट में लिखें, चार विकल्प में से इस प्रकार की जो शब्द युग्म होते हैं, समान दिखने वाले इन शब्द युग्म के अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन पूछे भी जाते हैं और सिलेक्शन भी यहीं से रुकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, समाप्त। एक अंत का होगा समाप्त और एक अंत्य का होगा अंतिम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, एक क्वेश्चन तो दो बनते ही है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर दोनों प्रश्नों को हमने यहाँ पर समावेश किया है, सभी ने लिख दिया, उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर एक, तीन। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं तीन प्रकार के। अब इसमें कंफ्यूज होते हैं और हमेशा गलत करके आते हैं, रचना के आधार पर तीन। अब इसको कैसे याद रखना, जैसे रचना लिखा है आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा, रचना, और रचना में तीन शब्द हैं, तो रचना यहाँ भी पूछा जाएगा रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो तीन शब्द है मतलब तीन प्रकार, इस प्रकार से याद रख देंगे, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कमेंट में कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से कमेंट में लिखते जाएं, उत्तर होगा इसका आठ प्रकार के। अब देखना, आठ जब हम लिखते हैं तो आ आता है, और अर्थ लिखते हैं तो आ आता है, कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं आठ, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं तीन, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या है, वह साधु है परंतु किसी से भिक्षा स्वीकार नहीं करता। इसका जो है ये जो वाक्य है किस प्रकार का है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, किस प्रकार का, जल्दी से लिखें। सरल संयुक्त वाक्य आपने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो मैं कम एक वैसा वीडियो बनाऊंगा कि सरल संयुक्त वाक्य सभी की ऐसी ट्रिक होगी जो आपसे बनने लगेंगे, कभी नहीं भूल सकते, तो कमेंट में जरूर लिखते जाएं जो नहीं, जो चीज नहीं बनती है ना। संयुक्त वाक्य, एक हमारे भाई साहब ने पिछले वीडियो में लिखा था कि सर वर्णमाला के क्वेश्चन बनाइए, तो मैं इस सारे के सारे टेस्ट सीरीज में आप देख रहे होंगे वर्णमाला से लेकर पूरे क्वेश्चन इसमें समाहित करता हूं। तो भाई साधु है परंतु किसी से भिक्षा स्वीकार नहीं करता, संयुक्त वाक्य होगा। स्वावलंबी बनो अथवा पराश्रित रहो, एक इस प्रकार का वाक्य है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। सभी लोग बहुत अच्छे से कमेंट लिख रहे हैं, सही उत्तर भी बता रहे हैं, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर दो, संयुक्त वाक्य, स्वावलंबी बनो अथवा पराश्रित रहो। नेक्स्ट है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं वाक्य है। अब आपको यहाँ पर बताना है, तीन तीन चार चार प्रश्न हर टॉपिक से यहाँ पर इस टेस्ट में लिए जाते हैं ताकि आपकी तैयारी पूर्ण और व्यवस्थित और अच्छी हो, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये सरल वाक्य हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, गर्दन झुकाना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मुहावरे हमेशा दो तीन मुहावरे तो पूछे ही जाते हैं हर परीक्षा में, तो गर्दन झुकाने मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, लज्जित होना। गर्दन झुकाना मतलब लज्जित होना, इसका सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, खिचड़ी पकाना का अर्थ है। जल्दी से लिखें कमेंट में, खिचड़ी तो सभी लोग खाते होंगे, खिचड़ी पकाने का अर्थ भी पूछ लिया गया है, तो क्या होगा, उत्तर हो जाएगा किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, मतलब विकल्प नंबर तीन इसका सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। जल्दी से लिखें कमेंट में, अद्भुत रस का, रस आपने पढ़े होंगे, भरत मुनि ने नाट शास्त्र में आठ रसों को जो है उल्लेख किया है, और अद्भुत रस का स्थायी भाव आपको बताना है, स्थायी भाव भी पूछ लिए जाते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा विस्मय, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौवे रस के रूप में शांत रस को कितने
जोड़ा है? जल्दी से लिखें, ये भी बहुत ही टफ क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो आठ रस माने भरत मुनि ने, नौवा रस जो शांत रस है वो उसे किसने जोड़ा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने जोड़ा है तो कमेंट में लिखना है आपको उत्तर। उत्तर होगा आचार्य उदय भट्ट ने नौवे रस को के रूप में शांत रस को जोड़ा है इन्होंने। नेक्स्ट है आचार्य भोज ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, काव्य गुण है ना ये भी पूछे जाते हैं, काव्य दोष और काव्य गुण भी पूछे जाते हैं, तो आचार्य भोज ने कितने माने हैं, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, आचार्य भोज ने माने हैं 24। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, जल्दी से कमेंट में लिखना है उत्पत्तिवाद के, सभी ने पढ़ी होगी हिंदी और हिंदी में एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं, उत्पत्तिवाद हो या फिर कोई भी वाद हो वो पूछ लिया जाता है। उत्पत्तिवाद के माने जाते हैं भट्ट लोलट, ठीक है। अनुमतिवाद के माने जाते हैं कौन, संकोक। ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। रस के कितने अंग हैं, है ना, रस के अंग यहाँ पर बताना है कितने हैं, चार विकल्प हैं, चार में से एक का, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। अब कहीं नौ भी दिया जाता है तो रस के भेद मान लेते हैं कि कितने हैं, श्रृंगार रस आदि ये सभी मान लेते हैं कुछ लोग, तो रस के जो अंग होते हैं वो होते हैं चार, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अंतर्वत पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, आपने कमेंट में लिख लिया होगा, इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कमेंट में लिख लिया है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन, तुक। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गणों की संख्या होती है, गण आपने पढ़े होंगे तो यह गण सगण तगण ये गण होते हैं, गणों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है। छंद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, आठ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान है, क्या पहचान है आपको बताना है, जल्दी से कमेंट में लिखें, जल्दी जल्दी लिखते जाएं सभी लोग, लिखें कमेंट में, विकल्प में आपको कमेंट में एक दो तीन चार ऐसे लिखना है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, कहाँ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान है कहाँ, विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है, क्या रेखांकित है, जल्दी से जो बूंद बूंद रेखांकित किया गया है वो क्या है, कमेंट में आपको चार विकल्प में से एक का आपको चयन करना है, एक दो तीन लिखें जल्दी से लिखते जाएं, फटाफट लिखें, सभी लोग लिख रहे हैं, सभी लोग लिखें जो भी देख रहे हैं, ताकि आपकी पकड़ हिंदी में और अच्छी होती जाए अपना जो है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चार, क्रिया विशेषण, नल बूंद बूंद टपक रहा, बूंद बूंद क्या है, क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी लिखें, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है आपको लिखना है तो कौन सा है, जल्दी से कमेंट में लिख दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर तीन, दो सॉरी दो जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, वो वायु का पर्यायवाची है, ठीक है, तो विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सीता ने बोला कि राम सो रहे हैं, कौन सा उपवाक्य है, तो कौन सा उपवाक्य है, जल्दी से लिखें, उपवाक्य जरूर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, आजकल जो हिंदी का पैटर्न है वो उपवाक्य तो आते ही है, तो चार विकल्प में से एक का चयन करें, उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर दो, संज्ञा उपवाक्य, सीता ने बोला कि राम सो रहे हैं, ये संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अभी तक आपने रचना के आधार पर अर्थ के आधार पर पढ़े होंगे, अब क्रिया के आधार पर आपको बताना है कितने प्रकार के होते हैं, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, तीन प्रकार के, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है, वर्षा अच्छी होगी तो उत्पादन भी अच्छा होगा, वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है, जल्दी से कमेंट में लिखें, लिख दिया कमेंट में आपने, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर एक, संकेतवाचक वाक्य है, वर्षा अच्छी होगी तो उत्पादन भी
अच्छा होगा। नेक्स्ट, राम के कान नहीं है, मैं शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति आपने पढ़ी होगी, अभिता, लक्षणा, व्यंजना, ये शब्द शक्तियां होती हैं। राम के कान नहीं है, शब्द शक्ति बताना है। उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ पर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, तात्य की तरह आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? चार विकल्प में से एक, दो, तीन, चार आपको कमेंट में लिखते जाना है, कौन सा आपका सही है। देखें इसका उत्तर, उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर एक, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, मतलब तांते की तरह आंखें फेरना का सही अर्थ होगा। नेक्स्ट है, फिसल पड़े तो हर गंगे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी लिखते जाएं, सभी लोग लिखें जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो, मजबूरी में काम करना, फिसल पड़े तो हर गंगे, लोकोक्ति का अर्थ होगा। नेक्स्ट, भक्ति रस को किसने जोड़ा है? आपने भक्ति रस पढ़े होंगे, भरत मुनि ने आठ रसों की व्याख्या नाटशास्त्र में की है, उसके बाद शांत रस जोड़ा गया, भक्ति रस जोड़ा गया, तो भक्ति रस को किसने जोड़ा है आपको बताना है। उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर दो, रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को जोड़ा है। ठीक है, याद रखो। अगला हमारा जो प्रश्न है कि कल अरे में नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू में कौन सा रस है? आपने रस पढ़े होंगे, रस में से एक का चयन करना है, उदाहरण यहाँ पर दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीन, वात्सल्य रस होगा यहाँ पर। कौन सा रस होगा? वात्सल्य। सूरदास वात्सल्य के चितेरे कवि माने जाते हैं। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? किस रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, तो जल्दी से आपको बताना है। स्थायी भाव पूछे जाते हैं परीक्षा में, एक दो तो पूछ लिए जाते हैं, कौन सा होगा? सही उत्तर होगा अद्भुत रस, विकल्प नंबर चार इसका सही हो जाएगा। अलंकार संप्रदाय के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, जल्दी से लिखें कमेंट में, अलंकार संप्रदाय के। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, भामह जो है वो अलंकार संप्रदाय के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है? अर्थालंकार, शब्दालंकार आपने पढ़े होंगे, शब्दालंकार का भेद नहीं है आपको बताना है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन से शब्दालंकार हैं, कौन से अर्थालंकार हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा रूपक, मतलब विकल्प नंबर चार इसका सही हो जाएगा। ये शब्दालंकार का भेद नहीं है, मतलब ये अर्थालंकार का भेद है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? जल्दी से लिखें, अनुप्रास अलंकार के भेद भी पूछ लिए जाते हैं, उसके अंदर से भी पूछ लिया जाता है, तो विकल्प नंबर तीन इसका सही होगा पांच, अनुप्रास अलंकार के पांच भेद हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सजना है मुझे, सजना के लिए मैं अलंकार है, कौन सा अलंकार है? जल्दी से लिखें कमेंट में, लिखें जल्दी। सजना, सजना शब्द दो बार आया है और दोनों बार अर्थ इसका अलग अलग है, मतलब कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। हमने बार बार एक उदाहरण पढ़ा है, कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक के दो अर्थ होते हैं, वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। उसी प्रकार सजना के अर्थ दो हैं। मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किस अलंकार का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट में लिखें, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा, बीप्सा अलंकार। मनोभावों को व्यक्त करने के लिए बीप्सा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने नाट शास्त्र में अलंकारों की संख्या मानी है, कितनी मानी अलंकारों की संख्या? जल्दी से बताएं। तो भरत मुनि ने एक क्वेश्चन, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, VIMP लिख लेना, हमेशा पूछा जाता है, चार। भरत मुनि ने नाट शास्त्र में चार अलंकार माने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? जल्दी से बताएं कितने होते हैं उपमा अलंकार के, है ना? कालिदास जो है उपमा अलंकार के कवि माने जाते हैं, और उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। अब भेद मत पढ़ लेना, भेद और अंग अलग अलग होते हैं, उपमा अलंकार के जो अंग होते हैं वो चार होते हैं, इसके भेद भी होते हैं तो वो अलग होते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ?
तो मध्य प्रदेश का बताना है आपको पहला दैनिक समाचार पत्र, उत्तर होगा इंदौर, इंदौर से प्रकाशित हुआ था दैनिक समाचार पत्र। ठीक है, नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन की रचनाकार का नाम बताओ, जल्दी से बताएं आषाढ़ का एक दिन। उत्तर सही होगा विकल्प नंबर दो, मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है युगधारा के रचनाकार कौन है, तो युगधारा के बताना है आपको, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखें। उत्तर सही हो जाएगा इसका नागार्जुन, युगधारा के जो रचनाकार माने जाएंगे वो कौन है, नागार्जुन, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के, चार विकल्प में से एक का चयन करना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर दो, कुंतक माने जाते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है नीलोत्पल में कौन सा समास है, जल्दी से समास भी आपने पढ़े हैं, नीलोत्पल में कौन सा समास है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, कर्मधारय समास। जैसे हम पढ़ते नील कमल या नीलोत्पल, इनमें कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है, गायक का सही संधि विच्छेद होगा, गायक का संधि विच्छेद बताना है, तो क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो, गई धन अक बराबर क्या होगा गायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नह धन आहार निराहार में संधि होगी, कौन सी संधि है जल्दी से बताएं। वैसे तो विसर्ग आ गया है पहले मतलब, तो विसर्ग संधि होगी, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी से कमेंट में लिख दें छा ध्वनि का उच्चारण स्थान। उत्तर सही होगा विकल्प नंबर दो, तालब्य, आपने कंठ तालब्य दंतोष्ट मूर्धा ये सारे के सारे जो है वर्णमाला आपको पढ़नी होगी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन भी पूछा जाता है हमेशा, तो कौन सी शुद्ध वर्तनी में लिखा शब्द है, जी इसका उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर एक प्रतिवादी, है ना, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द सही है, तो कौन सा सही है जल्दी से लिखते जाए कमेंट में, एक दो तीन चार लिखना है, सन्यासी सन्यासी लिखा है, जल्दी से बताएं कौन सा सही है, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक जो का है सन्यासी, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अभी उपसर्ग का अर्थ है, अभी उपसर्ग का अर्थ क्या है, उपसर्ग के अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं आजकल, तो उपसर्ग के अर्थ भी आपको आने चाहिए, हिंदी संस्कृत उर्दू ये सभी उपसर्ग के अर्थ होना चाहिए। अभी मतलब होता है विकल्प नंबर एक सामने, अभी उपसर्ग का अर्थ है सामने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है समास का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है जल्दी से लिखते हैं कमेंट में, एक दो तीन चार लिखते जाएं तो सही रहेगा। उत्तर हो जाएगा इसका समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, सभी को पता है मृग नयनी में कौन सा समास है ना, जल्दी से लिखें, कई बार पूछा गया मृग नयनी, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चार कर्मधारय समास, मृग नयनी में कर्मधारय समास हो जाएगा। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, परीक्षा जल्दी लिखें कमेंट में, एक दो तीन चार ऐसे कमेंट में सभी लोग लिखते जाएं ताकि आकलन अपना हो सके। उत्तर हो जाएगा तत्सम, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तत्सम वर्ग में आता है। निम्न में से योग ऋण शब्द कौन सा है, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखें, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर चार लंबोदर, योग ऋण शब्द कौन सा है लंबोदर। ठीक है, में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, जल्दी से आपको बताना है, चार विकल्प मौजूद हैं, जल्दी से कमेंट में लिखना है। आप CTET PGT TET एल्टीग्रेट SI कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उनमें हिंदी जरूर पूछी जाती है, तो जल्दी से कमेंट में लिख दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तेलुगु, विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है, जल्दी से आपको बताना है किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो
आपने कमेंट में लिख दिया जी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर दो, राजस्थानी हिंदी की उपभाषा है मेवाती। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से लिखें, कई बार पूछा गया एग्जाम है, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपने लिख दिया कमेंट में, उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर एक, बीजी खैर जो थे वर्ष 1955 में गठित राजभाषा आयोग के जो है अध्यक्ष थे। अगला हमारा प्रश्न होगा, खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है? जल्दी से लिखें, खड़ी बोली जो है किस हिंदी की भाषा मानी जाती है? तो पूर्वी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की या पहाड़ी हिंदी की? जल्दी से लिखें कमेंट में, इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा इसका पश्चिमी हिंदी की, ये भाषा मानी जाती है खड़ी बोली। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, पैसाची से कौन सी भाषा विकसित हुई है? जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, पैसाची से आपको बताना है कौन सी भाषा विकसित हुई है। चार विकल्प आपके सामने मौजूद है, जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर तीन, पंजाबी। पैसाची से पंजाबी विकसित हुई है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है, भाषा विज्ञान के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है? जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है किस प्रकार की भाषा है। चार विकल्प भी मौजूद है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो जल्दी जल्दी कमेंट में लिखते जाएं। उत्तर इसका होगा विकल्प नंबर एक, वियोगात्मक भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अन्याय का संधि विच्छेद होगा, अन्याय का संधि विच्छेद आपको बताना है। चार विकल्प में से एक का चयन करना है, उत्तर में आपको लिखना है कमेंट में, एक दो तीन चार इस प्रकार से उत्तर आप लिखते जाएं और अपना आकलन करते जाएं। जल्दी से लिखें कमेंट में, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, अन्य धन अन्य, ये हो जाएगा अन्यान्य का संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो अन्वेषण का आपको शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। जल्दी से आपने संधि पढ़ी भी होगी, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर कमेंट में लिख दो। उत्तर होगा विकल्प नंबर चार, अनुधन एषण बराबर हो जाएगा अन्वेषण, सही उत्तर विकल्प नंबर चार होगा। नेक्स्ट है, अनुधन आ धन इत के मेल से वने शब्द का चयन कीजिए। जल्दी से चार विकल्प में से एक का चयन करना है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, तो जल्दी से लिखें कमेंट में, लिखना है एक दो तीन चार कौन सा आपने उत्तर चयन किया है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चार, अनवित, अनुधन आधन इत बराबर हो जाएगा अनवित। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अभ्युदय में कौन सी संधि है? जल्दी से लिखें कमेंट में, चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, चार में से एक का चयन करना है, अभ्युदय में कौन सी संधि है आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन, यण संधि। ठीक है, आपने पढ़ी होगी स्वर संधि के भेद में यण संधि आती है, गुण दोष में कौन सा समास है, जल्दी से बताएं। समास भी आपने पढ़े हैं, बहुत सारे प्रश्नों का यहाँ पर निरंतर और क्रमबद्ध अध्ययन यहाँ पर करने को आपको मिल रहे हैं निरंतर टेस्ट सीरीज के आधार पर। इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास, गुण और दोष जो है इसका हो जाएगा, तो द्वंद्व समास इसमें होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, मुकुट शब्द निम्न में से किस कोटि का है? जल्दी से बताएं, तत्सम तद्भव भी आपने पढ़े होंगे, तो किस कोटि का है मुकुट? उत्तर हो जाएगा इसका तत्सम, मुकुट शब्द है तत्सम। अगला प्रश्न है, निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द आपको बताना है, जल्दी जल्दी लिखते जाएं कमेंट में, यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक रूढ़ है ना, ये सारे के सारे आपने पढ़े होंगे, तो यौगिक शब्द बताना है, योग रूढ़, उत्तर हो जाएगा पाठशाला। ठीक है, पाठशाला जो है यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बाण का पर्यायवाची शब्द, बाण का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या है बाण का पर्यायवाची? जल्दी से लिखें, पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं, अनेकार्थी भी पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन, आशुक जो होगा वो बाण का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला प्रश्न है, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? जल्दी से, चार विकल्प हैं, शिव का कौन सा पर्यायवाची नहीं है या अर्थ नहीं है, तो जल्दी से कमेंट में लिखना है, लिखते जाए, सभी को पता है। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर चार, चक्रपाणी, शिव का ये पर्यायवाची नहीं होता है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो ठीक है। तो चार विकल्प में जल्दी जल्दी देख लें आप कौन सा ठीक है। अव्यय, मितव्यय, आज्ञा, निंदा, उपकार, भलाई, शाश्वत, अनश्वर। जल्दी से देखें तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर जो है वो है अपव्यय का मितव्यय। ये जो विलोम युग्म है वो सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीन जो है वो गलत है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जंगम का विलोम होगा। कई बार पूछा गया जंगम का विलोम, आप सभी को पता भी होगा। कमेंट में लिखें जल्दी से जी, कमेंट में लिखते जाएं। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो, स्थावर। जंगम का विलोम होगा स्थावर। अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम क्या है। जल्दी से लिखें, कृतज्ञ का विलोम आपको लिखना है। तो ये पूछा भी गया है, सभी को पता भी है, तो जल्दी से उत्तर लिखें, कमेंट में लिखें। एक दो तीन, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीन, कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द है। तो एक शब्द कौन सा है जिसके लिए आशा, जिसकी आशा न की गई हो वो क्या है, वो है दोस्तों अप्रत्याशित। क्या है? अप्रत्याशित विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द। जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कमेंट में लिखें। एक दो तीन चार, जल्दी जल्दी लिखते जाएं सभी लोग, लिखें ताकि अपना आकलन बहुत अच्छे से कर सकें। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर एक, आकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे आकिंचन कहा जाता है एक शब्द में। नेक्स्ट प्रश्न है, अरुण का अनेकार्थी होगा। जल्दी से लिखें, अरुण का अनेकार्थी क्या है। चार विकल्प में से एक विकल्प आपको चयन करना है, अरुण का अनेकार्थी बताना है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, सिंदूर। अरुण का अनेकार्थी जो होगा वो सिंदूर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी का एक अर्थ जल, निम्न में से दूसरा अर्थ खोजिए। एक अर्थ तो जल है, दूसरा अर्थ क्या है। चार विकल्प में से जल्दी से टिक कीजिए, आपको उत्तर लिखना है कमेंट में। उत्तर सही होगा विकल्प नंबर दो, सम्मान। पानी का एक अर्थ होता है जल, दूसरा अर्थ होता है सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, काल का अर्थ है समय, निम्न में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा। काल का एक अर्थ तो समय है, दूसरा अर्थ क्या है, जल्दी से लिखें, है ना, जो आपने कमेंट में लिख दिया है। उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, मृत्यु। एक काल का अर्थ तो समय होता है, दूसरे काल का अर्थ हो जाएगा मृत्यु। नेक्स्ट, कूप मंडू को होने का अर्थ है क्या। अर्थ है जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, कूप मंडू होना का अर्थ है। उत्तर इसका सही हो जाएगा, लिख दिया आपने कमेंट में। उत्तर सही होगा इसका दोस्तों विकल्प नंबर चार, अत्यंत सीमित ज्ञान होना एक कूप मंडू होने का अर्थ होता है। अगला हमारा प्रश्न है, पर्वतों के नाम किस संज्ञा भेद के अंतर्गत रखे जाते हैं। जल्दी से बताएं, आपने संज्ञा के नियम पढ़े होंगे, अलग अलग संज्ञा के अलग अलग नियम हैं। कौन से नाम, कौन सी वस्तु किस संज्ञा के अंतर्गत रखी जाती है, इस प्रकार के नियम भी हैं। तो पर्वतों के नाम किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं आपको बताना है। उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पर्वतों के नाम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया के जुड़ने पर कौन सी क्रिया बनती है। जल्दी से कमेंट में लिखना है, प्रश्न एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया के जुड़ने पर कौन सी क्रिया बनती है, तो कौन सी क्रिया बनती है जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। क्या होगा उत्तर, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर एक, नाम बोधक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, काली शब्द क्या है। जल्दी से लिख दें कमेंट में, आपका उत्तर कंफर्म हो जाएगा। वाक्य में काली शब्द क्या है, उत्तर सही होगा इसका विशेषण, है ना, क्या है, विशेषण। नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, किस रूप में नहीं होता क्रिया के। तो चार विकल्प में से एक का चयन आपको करना है, जल्दी से लिखें, चयन करें। एक दो तीन चार आपको लिखना है। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीन, आज्ञार्थक में जो है कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन
नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वह का करण कारक में एक वचन क्या होगा, है ना। वह जो है उसका करण कारक में एक वचन क्या होगा, आपको बताना। एक क्वेश्चन आया हुआ है पिछली परीक्षाओं में, तो क्या होगा, चार विकल्प में से चयन करें। उत्तर इसका सही क्या होगा, उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर दो, उससे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिंग भेद के कारण किसमें रूपांतर नहीं होता, तो किसमें नहीं होता, चार विकल्पों में से एक का चयन करना है। लिंग भेद के कारण किसमें रूपांतर नहीं होता, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, सर्वनाम। लिंग भेद के कारण सर्वनाम में जो है रूपांतर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है, जल्दी से बताएं कमेंट में। चार विकल्प में से एक उत्तर आपको चयन करना है। आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य बताना है, तो आपने कमेंट में लिख लिया है 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, मिश्र वाक्य होगा। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मिश्र वाक्य होगा। इनमें से अनिश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है, सर्वनाम आपने पढ़े होंगे 6 प्रकार के होते हैं, और अनिश्चय वाचक सर्वनाम आपको बताना है, तो कौन सा है, विकल्प नंबर दो, कोई जो है वो अनिश्चय वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहां पर जो क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है कौन सा है गुणवाचक विशेषण। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नया, जो है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, कर्तृवाच में क्रिया संबंध होता है, तो कर्तृवाच की बात यहाँ पर हो रही है, तो क्रिया का जो संबंध होगा वो किससे होगा, कर्ता से, मतलब विकल्प नंबर तीन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मुक्ता ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है, जल्दी से कमेंट में लिखना है कौन सा काल है मुक्ता ने खाना पकाया में, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, सामान्य भूत काल इसमें होगा, मुक्ता ने खाना पकाया। सातवां में कौन सा समास है, समास हम निरंतर पढ़ रहे हैं दोस्तों, समास जल्दी से बताएं कौन सा समास होगा महात्मा में, सभी लोगों ने कमेंट में लिख लिया जी, तो उसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, कर्मधारय समास, महान है जो आत्मा, महात्मा में कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यावरण का संधि विच्छेद, जल्दी से पर्यावरण का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो क्या होगा विकल्प नंबर दो, परिधन आवरण इसका सही हो जाएगा। पर्यावरण का कई बार पूछा गया पर्यावरण का संधि विच्छेद, अर्थ का विलोम शब्द है, ये बहुत ही कठिन होता है, थोड़ा सा आपको बताएं कि अर्थ का विलोम शब्द बताना है जल्दी से, थोड़ा सा टाइम भी आपको दे देते हैं, अर्थ का थोड़ा सा कठिन हो जाता है इस प्रकार के जो विलोम होते हैं। उत्तर होगा इसका इति, अर्थ का विलोम शब्द होगा इति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, घोष वर्ण आपको बताना है जल्दी से लिखें, घोष वर्ण कौन सा घोष वर्ण है, घोष, सघोष, अघोष, ये सभी आपने पढ़े हैं, तो घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा विकल्प नंबर दो, जो है माँ जो है घोष वर्ण हो जाएगा। अब घोष और अघोष है ना, सघोष अघोष पढ़े होंगे आपने, तो घोष वर्ण जो होता है वो माँ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है। अलंकार आपने पढ़े होंगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये सभी अलंकार आपने पढ़े हैं। अलंकार का मैंने ट्रिकी वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। अर्थालंकार के कितने भेद हैं, तो जल्दी से बताएं कितने भेद हैं, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, 12। अर्थालंकार के कितने भेद हैं, तो 12 भेद हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा आपको बताना है, जल्दी से लिखें कमेंट में, भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा बचपन। जो अवस्थाएं होती हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, तो बचपन अवस्था है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन आपको बताना है कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, दिल्ली, दिल्ली में जो है द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भाषा संस्कृत की किस धातु से बना है, ये अभी एमपीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पर जो है आंसर शीट में इसकी जो आंसर है वो गलत दे दिया था,
जिसने भी दिया है एमपी टेट का उसको पता होगा। उत्तर इसका सही है लेकिन विकल्प नंबर दो भास, भाषा संस्कृत की भास धातु से बना है। ठीक है, इनमें से रस का कौन सा भेद है, रस का भेद कौन सा है, तो रस का भेद बताना है। चार विकल्प में अगर आपने रस पढ़े हैं तो उत्तर तो आपने जल्दी से लिख लिया होगा करुण। करुण जो है रस का भेद है, रूपक उल्लेख जी अलंकार के भेद है। ठीक है, नेक्स्ट है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जल्दी से लिखें कमेंट में जंगल में लगने वाली आग को। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक दावानल, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। शिव का विशेषण क्या होगा, जल्दी से शिव का विशेषण कई बार पूछा गया, शिव का विशेषण क्या होगा, जल्दी से जल्दी जल्दी लिखें कमेंट में, शिव, शिव का विशेषण होगा शिव। ठीक है, नेक्स्ट है हे का विलोम शब्द बताइए, हे का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा, हे का विलोम शब्द, तो इसका सही उत्तर होगा ग्राहा, हे का जो विलोम शब्द होगा वो ग्राहा होगा। इस प्रकार से कुछ कठिन विलोमों का भी इसमें समावेश है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द बताना है, चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक पुण्य, पुण्य लिखा जाता है जबकि यहाँ पर पुण्य लिखा है, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, अल्प प्राण महाप्राण पूछे जाते हैं, कौन सा है अल्प प्राण, विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अल्प प्राण वर्ण है कौन से, का और का। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है अवनि का विलोम शब्द, जल्दी से लिखें अवनि का विलोम शब्द क्या होगा, तो अवनि का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो होगा अंबर, अवनि का विलोम होगा अंबर, विकल्प नंबर तीन। नेक्स्ट है इनमें से नासिक व्यंजन कौन सा है, नासिक व्यंजन बताना है, सभी लोग कमेंट में लिखें नासिक व्यंजन, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर चार ड़ा, वर्ग का जो पंचम अक्षर होते हैं वर्ग के वो नासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय उपसर्ग भी आपने अच्छे से पढ़े हैं, जल्दी से बताएं प्रयुक्त प्रत्यय है सावधानी में, तो उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर एक ई, सावधान धन ई बराबर सावधानी, मतलब एक सही है इसका। नेक्स्ट है जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी से लिखें कमेंट में, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, अकथनीय, अकथनीय है, और अकथनीय में उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, मूर्धन्य व्यंजन आपने कंठ व्यंजन तालब ये सभी के सभी पढ़े होंगे, मूर्धन्य व्यंजन यहाँ पर बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा डा ढा, ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने वीडियो भी डाला एक पूरा टेस्ट बनने वाला का। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, अवनत में जल्दी देखें अवनत में प्रयुक्त शब्द उपसर्ग बताना है कौन सा है, औ, विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा औ। अगला है जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहेंगे, एक बात में उत्तर आपको बताना है, जल्दी से फटाफट लिखें कमेंट में, जी लिख रहे हैं सभी, जिसकी गर्दन सुंदर है उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर एक सुग्रीव, जिसकी गर्दन सुंदर है उसे सुग्रीव बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताओ, चार विकल्प में से जल्दी जल्दी लिखें कमेंट में, एक दो तीन चार ऐसे इस प्रकार से लिखते जाना है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा रत्नगर्भा, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, विकल्प नंबर एक इसका सही होगा। नेक्स्ट है अमीय का पर्यायवाची शब्द बताओ, अमीय जल्दी से चार विकल्प हैं, तो अमीय का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा, लिखो कमेंट में, उत्तर हो जाएगा इसका सुधा, अमीय का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। नेक्स्ट जो प्रश्न है घा का उच्चारण स्थान क्या है, घा, घा का उच्चारण स्थान है क्या है, घा का उत्तर हो जाएगा कंठ, है ना, कंठ तालब ये सभी के सभी व्यंजन आपको पढ़ने हैं, तो उत्तर होगा गमन का विलोम क्या होगा, जल्दी से लिखें गमन का सभी पे बनेगा कमेंट में, सभी लोग लिखेंगे गमन का विलोम, तो क्या होगा विकल्प नंबर एक जो है वो इसका सही हो जाएगा, गमन का आगमन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो क्या होगा, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं, एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है, चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, तो आपको एक दो तीन चार करके उत्तर आपको बताना है, सिलेक्ट करना है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा
कार्य पूर्ण ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण क्या कहलाती है, नवीनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, जल्दी से लिखें शुद्ध वर्तनी। तो चार विकल्प में से जल्दी से जल्दी 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 लिखें कमेंट में फटाफट जी, लिखते जाएं। तो उत्तर हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सुषुप्ति, कौन सा है, सुषुप्ति, विकल्प नंबर चार सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अकल का पुतला का अर्थ होगा, अकल का पुतला। तो चार विकल्प में से जल्दी से लिखें, इस प्रकार के मुहावरे भी पूछे जाते हैं, अर्थ भी पूछे जाते हैं। अकल का पुतला का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट में लिखते जाएं, अकल का पुतला, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, अकल का पुतला, बहुत बुद्धिमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन मित्रों आपको बताना है, अंडे का सहजादा का अर्थ क्या है, अंडे का सहजादा अर्थ क्या हो जाएगा, सभी ने लिख लिया कमेंट में, उत्तर होगा अनुभवहीन व्यक्ति, अंडे का सहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। ये मुहावरे पूछे जाते हैं कई बार, हम सोचते हैं कि सरल होते हैं लेकिन कई बार गलत भी हो जाते हैं। तीन बेर काती थी भी तीन बेर खाती हैं, मैं अलंकार बताना है आपको, बिजन डुलाती थी भी बिजन डुलाती है, इस प्रकार से पूरा है। और अलंकार आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, सभी लोग बताएं। बेर बेर शब्द जो आ रहा है वो कितने बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, और दोनों बार उसका अर्थ कैसा है, अलग है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर दो सही होगा। नेक्स्ट है, संस्कृति के चार अध्याय किसकी रचना है, जल्दी से लिखें कमेंट में। ऐसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, सॉरी इसे नहीं मिला, उर्वशी के लिए मिला है, रामदास सेंदनकर की ये रचना है संस्कृति के चार अध्याय, और इनकी उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, संस्कृति के चार अध्याय के लिए नहीं मिला, रामदास सेंदनकर। नेक्स्ट जो प्रश्न होगा, जातिवाचक संज्ञा बताइए, जातिवाचक संज्ञा बताना है कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर कमेंट में, हाँ लिखते जाए कमेंट में, जातिवाचक संज्ञा एक लड़का, जातिवाचक संज्ञा लड़का में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है, जल्दी से लिखें कन्यादान, सभी लोग कन्यादान कर रहे हैं कि नहीं, कौन सा समास है, कन्या का दान मतलब कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, कन्या का दान। ठीक है, नेक्स्ट देखें, डोरी डालने का अर्थ है, डोरी डालने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो डोरी डालने का जो अर्थ होगा दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रेम में फंसाना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, प्रेम में फंसाना डोरी डालने का अर्थ होगा, वो होगा बाच्य कहलाते हैं, बाच्य क्या कहलाते हैं, जल्दी से आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, जल्दी से लिखें कमेंट में, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाच्य कहलाते हैं क्रिया के विधान, क्रिया के विधान कहलाते हैं बाच्य। ठीक है, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाच्य के कितने भेद हैं, जल्दी से लिखें, ये प्रकार के बाच्य प्रकार के जो भी क्वेश्चन है भी कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बाच्य जो होते हैं दोस्तों वो तीन प्रकार के होते हैं, अगला जो विकल्प नंबर तीन है वो सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, बाच्य के भेद कौन कौन से हैं, अब भेद कौन से हैं, तो जल्दी से लिखें विकल्प नंबर इसका सही कौन सा हो जाएगा, आपको कमेंट के माध्यम से एक दो तीन करके ऐसे आपको उत्तर लिखना है, तो जल्दी से लिखें फटाक से, उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर तीन, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। ठीक है, ये तीन प्रकार के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लिख गया है क्या, भाव, यहाँ पर भाववाच है, तो याद रख लेना भाववाच ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, वाच्य होते हैं, इनको याद रखो, यहां से क्वेश्चन एक दो जरूर बनते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न होगा, कर्तृवाच्य कहलाता है, अब कर्तृवाच्य की हमें परिभाषा बताना है क्या कहलाता है, चार विकल्प में से जल्दी से लिखें कमेंट में, आप पढ़ रहे थोड़ा सा आपको टाइम भी दिया जाता है, क्वेश्चन के विकल्प जो है वो बड़े हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपने लिख दिया कमेंट में, उत्तर होगा विकल्प नंबर कौन सा तीन, जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंगवा वचन के अनुसार किया जाता है वहां पर कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, विकल्प नंबर अगला क्वेश्चन, हमसे किताब पढ़ी जाती है, इसमें वाच्य है, अब इसमें हमें वाच्य बताना है कि हमसे किताब पढ़ी जाती है, तो कौन सा वाच्य है, जल्दी से लिखें कमेंट में, आपने वाच्य पढ़े होंगे, उत्तर हो जाएगा इसका कर्म वाच्य है ना, इसमें कर्म प्रधान होता है, कर्म वाच्य। भाववाच्य में प्रधान होता है, क्या होता है भाववाच्य में, सभी को पता है भाववाच्य में क्या होता है, भाव प्रधान होते हैं।
ठीक है, विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, वो है अमन नहीं चलता है इसका भाव वाच्य रूप क्या होगा। अमन नहीं चलता है भाववाच्य रूप बनाना है, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अमन नहीं चलता, जल्दी से बनाएं जो भी देख रहे हैं, उत्तर लिखे फटाफट। उत्तर इसका सही हो जाएगा, क्या होगा, अमन से चला नहीं जाता, ये इसका भाववाच्य बन जाएगा दोस्तों। वाच्य जरूर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो इसका उत्तर 1 सही होगा, विकल्प नंबर। कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण हमें यहाँ पर बताना है कौन सा है कर्मवाच्य का, तो जल्दी से लिखें। कर्मवाच्य का जो उदाहरण है वो है दोस्तों विकल्प नंबर 1, उससे पत्र लिखा जाता है, तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आंख शब्द का तत्सम क्या होगा, आंख शब्द का आपको तत्सम बताना है, जल्दी से लिखें आंख शब्द का तत्सम। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, आंख का हो जाएगा अक्षी, अक्षी विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, आंख का तत्सम होगा। अंगुली का तद्भव रूप हमें लिखना है, अंगुली, अंगुली का तद्भव क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा उंगली, अंगुली का तद्भव होगा उंगली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पवर्ग का व्यंजन है, पवर्ग का जो है व्यंजन कौन सा है, जल्दी से आपने पढ़े होंगे कचट तप, है ना, कचट तप पवर्ग का बताना है, तो कौन सा है जल्दी, यहां पर दोस्तों आपको क्वेश्चन को सुधारना है, यहां पर गलत हो गया है। पवर्ग का व्यंजन यहां पर क्या दे रहा था, है, अभी हमने है पढ़ा था, लेकिन यहां पर जो सही है वो नहीं है, पवर्ग का व्यंजन नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है, ना, ना नहीं है, बाकी पावर्ग के भावी है, बाबी है, मावी है, तो ये पावर्ग के व्यंजन है, ना जो है वो पावर्ग का व्यंजन नहीं है, यहाँ पर सुधार लेना, इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किस शब्द में हुआ है, जल्दी से बताएं, 4 विकल्प में आपको दिख रहा होगा किस में हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा उपकार, उपकार में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अर्धविराम है, जल्दी से 4 विकल्प हैं, जल्दी से फटाफट लिखें, अल्पविराम, अर्धविराम सभी लोग जानते होंगे, पूर्णविराम कौन सा है, जल्दी से फटाफट लिखते जाएं, कमेंट में लिखते जाएं। उत्तर सही होगा इसका विकल्प नंबर 4, ये है अर्धविराम, विकल्प नंबर 4 वाला, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्न में से विराम चिन्ह नहीं है, अब विराम चिन्ह नहीं है तो कौन सा नहीं है, अल्पविराम हमने पढ़ा है, पूर्णविराम कौन सा नहीं है, तो विकल्प नंबर 1 इसका सही होगा, अवतरण जो है विराम चिन्ह नहीं, विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य के घटक होते हैं, तो वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं, जल्दी से लिखे कमेंट में, टेस्ट थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वाक्य के घटक कौन कौन से हैं, आपने कमेंट में लिख लिया है, लिख लिया है तो उत्तर देखते हैं इसका, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, उद्देश्य और विधेय वाक्य के घटक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी जनजाति, कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया गया है, तो सभी ने देख लिया, आपने संज्ञा पढ़ी होगी, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, बुढ़ापा, बूढ़ा जो हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन बूढ़ा से बुढ़ापा बना, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला प्रश्न है चिरायु में प्रयुक्त तो उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है ना कि प्रत्यय, कंफ्यूज नहीं होना, चिरायु में कौन सा है, उत्तर सही होगा इसका चिर, विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा, चिर जो है उपसर्ग है चिरायु में। अगला प्रश्न है बे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, जल्दी से लेके कमेंट में, बहुत पढ़े हैं अपने उपसर्ग प्रत्यय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, विकल्प नंबर 1, बे, बे इंसाफी में जो उपसर्ग होगा वो बे होगा। अभी तक हमने वाच पढ़ लिए, तद्भव तत्सम के भी क्वेश्चन आए, उपसर्ग प्रत्यय के भी आए हैं, पुरोहित में उपसर्ग बताना है, वह हमें जल्दी से बताएं, पुरोहित 4 विकल्प में से सभी लोग बता रहे हैं उत्तर, कमेंट में लिखते जाएं जल्दी से, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखें, ठीक है। पुरोहित में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, पुरह, पुरह जो है ये पुरोहित में उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करना है, जल्दी से लिखें तत्सम शब्द का चयन, तो इसका सही उत्तर आपने लिख लिया, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द हमेशा पूछे जाते हैं, वाच्य पूछे जाते हैं, उपसर्ग प्रत्यय तो पूछे ही जाते हैं, उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, वर्षा,
जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। अच्छे से देखना वर्षा कैसा लिखा है। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य कौन सा होगा, जल्दी से लिखें कमेंट में। यहाँ पर संयुक्त वाक्य भी आ गए तो कौन सा होगा इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 राम घर गया और माँ को देखा। अब सरल संयुक्त मिश्र इस प्रकार से जो वाक्य हैं तो ये वाक्य हैं रचना के आधार पर, इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है, ये हमेशा पूछ जाते हैं। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, जल्दी से लिखें विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 सिर उठाना। विरोध करना का जो सही मुहावरा होगा वो सिर उठाना होगा। इनमें से कौन सा शब्द समूह वाचक प्रत्यय नहीं है, समूह वाचक प्रत्यय आपको बताना है कौन सा नहीं है, जल्दी से लिखें कमेंट में। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 प्रेस जो है वो समूह वाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा निम्न मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, तो जल्दी से विशेषण उपवाक्य है तो कौन सा है, जल्दी से देखें 35 क्वेश्चन में से अगर आप 30 बन गए मतलब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ऐतिहासिक नगर है, ये विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आएगा विकल्प नंबर 4 ठीक है। नेक्स्ट है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है, कैसा वाक्य है, जल्दी से लिखें सरल क्वेश्चन है सभी से बन जाएगा, उत्तर सभी लोग कमेंट में लिखते जाएं, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 4 मिश्र वाक्य, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा ये कैसा है मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है पवित्र में कौन सी संधि है, जल्दी से लिखें संधि समास आपने पढ़े होंगे पवित्र में संधि बताना है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 1 अयादि संधि है पवित्र में ठीक है, कौन सी संधि है अयादि संधि। अगला जो हमें हमारा प्रश्न है वो क्या है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। अपादान कारक आपको कारक भी हम पढ़ ले रहे हैं इस वीडियो में, अपादान कारक की विभक्ति हमें बताना है विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा से, अपादान कारक की जो विभक्ति है वो से ठीक है। नेक्स्ट है पाठशाला किस प्रकार का जो है शब्द है, आपको बताना है किस प्रकार का शब्द है पाठशाला, योगिक है कि योग रूढ़ है किस प्रकार का है, चार विकल्प में से कमेंट में लिखते जाए फटाफट। उत्तर इसका सही होगा दोस्तों योगिक, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है तो योगिक है, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा ठीक है। योगिक योग रूढ़ और रूढ़ शब्द आपको जरूर पढ़ने हैं, आप नहीं पढ़े तो अरे उसने कमाल कर दिया वाक्य है, कैसा वाक्य है जल्दी से देखें। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है तो ये विस्मय बोधक वाक्य होगा, अरे उसने कमाल कर दिया ये विस्मय बोधक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। निम्न वाक्य में संयुक्त वाक्य कौन सा है, जल्दी से लिखे 4 विकल्प में से एक का चयन करना है, संयुक्त वाक्य आपको बताना है। संयुक्त वाक्य की पहचान अगर नहीं बनती है आपसे तो कमेंट में लिखें, हम वीडियो जरूर बनाएंगे आपको संयुक्त मित्र कैसे पहचाने, ट्रिक के माध्यम से कुछ वाचक चिन्हों के माध्यम से आपको, तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 उसने खाना खाया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य है। जल्दी से भूतकाल के कितने भेद हैं कमेंट में लिखें, भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के भेद भी पूछे जाते हैं, कितने होते हैं 6 होते हैं भूतकाल के भेद ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से में पूर्ण भूतकाल है कौन में अपूर्ण भूतकाल है, ऐसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं आजकल पैटर्न में। यथार्थ में कौन सी संधि है जल्दी से बताएं, यथार्थ यथार्थ में संधि बतानी है कमेंट में लिखें फटाफट, उत्तर इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर 1 दीर्घ संधि है, यथार्थ में संधि है दीर्घ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा उपसर्ग है निर्वाह में, जल्दी से लिखें निर्वाह, निर्वाह में उपसर्ग हमें बताना है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 निर, निर में निर्वाह में निर उपसर्ग होगा ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं कमेंट में लिखें, स्पर्श व्यंजन सभी ने पढ़े होंगे स्पर्श व्यंजन, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 25 है ना, आपने पढ़े होंगे ना का कावर्ग चावर्ग टावर्ग है ना, तावर्ग और पावर्ग ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और पूरे में 5-5 जो है अक्षर होते हैं पर्ण होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25 हैं, आपको याद करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, 4 विकल्प हैं शुद्ध वर्तनी का भी आपको चयन करना है, तो इसका
सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर चार हो जाएगा कृपा। शुद्ध वर्तनी है कृपा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको तत्सम शब्द बताना है, चार विकल्प यहाँ पर मौजूद हैं, जल्दी से बताएं तो कमेंट में सभी लोग लिखते जाएं। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सदा। विकल्प नंबर तीन जो है वो इसका सही होगा, सदा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, गुण के विरुद्ध नाम हो तो कौन सी जो लोकोक्ति है उसका प्रयोग होता है ना? जल्दी से कमेंट में लिखें, चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, आपको कमेंट में लिखना है विकल्प नंबर 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से आप लिखते जाएं। फटाफट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते जाएं। और इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, आंख का अंधा नाम नैनसुख। ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अव्यय भाव समास का उदाहरण चुनना है। आपने समास पढ़े होंगे, समास का वीडियो भी मैंने डाला है अव्यय भाव समास का, जल्दी से कमेंट में लिखते जाएं, सभी लोग सब्सक्राइब भी करते जाएं जो भी नए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, निस्संदेह। क्या होगा? निस्संदेह इसका सही हो जाएगा, इसमें अव्यय भाव समास होगा। अगला प्रश्न है, जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से लिखें कमेंट में, विरोध ना होते हुए भी, तो सभी लोग लिखें कमेंट में 1, 2, 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 2, विरोधाभास। जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। नेक्स्ट, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? जल्दी से लिखें, तो सभी रसों के स्थायी भाव होते हैं, और भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या माना है? तो रति माना है, विकल्प नंबर 3। बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर बताया है। नेक्स्ट, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण चुनिए। जल्दी से लिखें, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? विकल्प नंबर 3, एकता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। आपने संज्ञा पढ़ी होंगी है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सारी की सारी संज्ञाएं आपको पढ़ना है। ऋजु का विलोम बताना है, जल्दी से बताएं, बहुत ही पूछा जाता है ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा। कमेंट के माध्यम से आपको इसका सही उत्तर लिखना है, जल्दी से लिखें फटाक से। इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर होगा वक्र। ऋजु का विलोम होता है वक्र। अगला हमारा प्रश्न है, तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तपोवन में कौन सी संधि है? चार विकल्प में से लिखें आपका कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में लिखते जाएं। उत्तर हो जाएगा इसका विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, तपोवन में। अगला प्रश्न है, इनमें से द्वंद समास का उदाहरण है। अब द्वंद समास का उदाहरण यहाँ पर हमें बताना है कौन सा है। चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन आपको करना है, जल्दी से कर लिया आपने तो कमेंट में लिख दें कौन सा उत्तर आपके लिए सही है। बाद में आप नंबर भी बताएंगे कितने सही हैं कितने गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, रुपया पैसा में द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। जहां पर द्वंद्व की स्थिति होती है वहां द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल है? अब आपको पूर्ण भूतकाल बताना है कौन सा वाक्य है। चार विकल्प मौजूद है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हिंदी में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, हिंदी में प्रश्न पूछने का, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी से बताएं। उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर 2, वह काम कर चुकी थी। ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा, जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, धर्मा धर्म में कौन सा समास है? तो आपने पढ़ा होगा कि जब एक ही शब्द को आवृत्ति हो जाती है वहां पर कौन सा समास होता है, तो द्वंद्व समास होता है, लेकिन वैकल्पिक द्वंद्व होगा इसमें, धर्माधर्म में वैकल्पिक द्वंद्व। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विकल्प नंबर 2, मतलब अंदर से द्वंद्व है उसके अंदर भी द्वंद्व के प्रकार में से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर कठिन है लेकिन चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, जल्दी से लिखें कमेंट में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 2, नाम बोधक क्रिया जो है कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न रहा, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? जल्दी से बताओ खड़ी बोली का मूल नाम। चार विकल्प में से सभी लोगों ने अपना अपना कमेंट लिख दिया है, तो उत्तर सही हो जाएगा, खड़ी बोली का मूल नाम है दोस्तों विकल्प नंबर 1, कौरवी खड़ी बोली का मूल नाम है। अगला हमारा जो प्रश्न है, सबको अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है?
तो आपने पढ़े होंगे ये सरल वाक्, संयुक्त वाक, मिश्र भाग, इच्छा बोधक, अगार्थक, बेदांग, इस प्रकार से अलग अलग जो वाक्य हैं अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, इस सारे के सारे आपने पढ़े होंगे। तो इस वाक में कौन सा वाक है, इच्छा बोधक, कौन सा है, इच्छा बोधक है, तो विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, चिरंतन का विलोम शब्द क्या है, चिरंतन का विलोम शब्द आपको बताना है, ये कई बार पूछा भी गया है, क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट में लिखें, उत्तर हो जाएगा नश्वर, मतलब विकल्प नंबर जो 3 होगा वो सही उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या है, प्रफुल्ल का विलोम हमें बताना है, यहाँ पर प्रफुल्ल शब्द का विलोम क्या है, तो 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद है, जल्दी से कमेंट में लिख दें, प्रफुल्ल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर, सभी ने लिख दिया कमेंट में, तो प्रफुल्ल का विकल्प नंबर 4 जो है वो सही होगा, विषाद, विषाद, प्रफुल्ल का विलोम होगा विषाद। अगला क्वेश्चन है कि पहला पद किस समास में प्रधान होता है, जल्दी से पहला पद किस समास में प्रधान होता है, 4 विकल्प में से एक विकल्प का चयन आपने कर लिया, इसका सही उत्तर आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 1, अव्यय भाव समास, पहला पद किस समास में प्रधान होता है, तो अव्यय भाव समास में प्रधान होता है पहला पद, ये सारे के सारे पद आपको पढ़ना है, कौन से समास में कौन सा होता है, कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है, जल्दी से बताएं कौन सा युक्त नहीं उपसर्ग युक्त, 4 विकल्प में से एक का चयन आपको करना है, कर लिया होगा आपने चयन, तो विकल्प में जल्दी से लिख दें, कमेंट में जल्दी से लिख दें, तो उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 रसोई घर, कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है, तो रसोई घर नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बहुत सारे लोगों ने जल्दी से कमेंट में लिखे, बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते जाए, विज्ञान शब्द में कौन सा प्रयुक्त है, उपसर्ग, उपसर्ग बताना है यहाँ पर, तो विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, वी, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो है वी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा दोस्तों, सभा में बीसियों लोग थे में विशेषण है, जल्दी से बताएं कौन सा विशेषण है, सभा में बीसियों लोग थे विशेषण है, तो विशेषण आपने पढ़े होंगे, विशेषण पूछे भी जा रहे हैं, इस प्रकार से पैटर्न जो अभी आया है नए तरीके से हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन, इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, इसका अनिश्चित संख्यावाचक, सभा में बीसियों लोग थे, इसका कोई निश्चित नहीं है बीसियों, गौशाला में कौन सा समास है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद है, इसका सही उत्तर हमें देखना है, तो कमेंट में जल्दी से लिख दिया आपने, उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 तत्पुरुष समास, गौशाला में समास है तत्पुरुष। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, आलोक का विलोम क्या होगा, है ना, यहाँ पर आलोक नहीं है, यहाँ पर आलोक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आलोक, आलोक का विलोम बताना है हमें, पर जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखते जाएं, आलोक का विलोम क्या होगा, आलोक का विलोम उत्तर इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर 3 अंधकार, आलोक का विलोम होगा अंधकार, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है शांत रस का स्थायी भाव आपको बताना है, रस सभी ने पढ़े हैं, शांत रस का स्थायी भाव बताना है, रस संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है, तो इसका सही उत्तर सभी लोग बता रहे हैं कमेंट के माध्यम से, निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद, विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, समुद्र मंथन करना का जो है सही अर्थ क्या है, समुद्र मंथन करने का सही अर्थ क्या है, जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है, उत्तर बताएं फटाफट, इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र मंथन करने का अर्थ है कठोर परिश्रम करना, क्या है, कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा वो है दोस्तों, निम्न में से किस वाक्य में निज, अब आपको यहां पर निजवाचक सर्वनाम बताना है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहां हुआ है, 4 विकल्प में से जल्दी से एक आपको कमेंट में लिखना है, निजवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग हुआ है वो कहां पर हुआ है, जल्दी से लिखें, उत्तर इसका सही हो जाएगा आप भला तो जग भला, विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा, ठीक है, आप भला तो जग भला, ये निजवाचक सर्वनाम होगा। मातृत्व तो शब्द है, मातृत्व तो कैसा शब्द है, मातृत्व तो शब्द में आपको संज्ञा बताना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है, तो सभी ने उत्तर लिख लिया कमेंट में, जल्दी से लिखें,
फटाफट चार विकल्प में से एक विकल्प का सही हो जाएगा। विकल्प नंबर तीन भाववाचक संज्ञा हो जाएगी इसमें, काय में मातृत्व में भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, जिसे बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी से लिखे कमेंट में, जिसे बुढ़ापा ना आए कि एक शब्द होगा क्या होगा, विकल्प नंबर चार अजर, एक शब्द होगा अजर, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे हम कहेंगे अजर। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, मैंने तीन कुर्सी खरीदी में अशुद्धि है। अब आपको बताना है कि इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, वचन संबंधी है, लिंग संबंधी, सर्गा सर्वनाम, विकल्प नंबर आप लिखें जल्दी कमेंट में। उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, वचन संबंधी, मैंने तीन कुर्सियां खरीदी, इस प्रकार से यहाँ पर वचन संबंधी जो है गलती हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम तद्भव शब्द आपने पढ़े होंगे, जल्दी से कमेंट में लिखते जाए फटाफट। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर चार हो जाएगा, हीरक, हीरक सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, वह क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय है ना, कार्यालय पत्र में शामिल है, जल्दी से कमेंट में आपको बताना है कौन सा पत्र है जो कार्यालय पत्र में शामिल है, तो आप कमेंट में लिखें फटाफट, कार्यालय पत्र में कौन सा है। चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, आपने कमेंट में लिख लिया तो उत्तर हो जाएगा निमंत्रण पत्र, ये जो है शामिल नहीं है कार्यालय पत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा, कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए, चार विकल्प हैं, चार में से क्या नहीं होनी चाहिए, तो आपने उत्तर लिख दिया विकल्प नंबर तीन, इसका सही हो जाएगा। तो आडंबर पूर्णता नहीं होनी चाहिए है ना, कार्यालय पत्र में आडंबर पूर्णता नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं, तो कौन से शब्द में जुड़े हैं उपसर्ग और प्रत्यय, तो आपने देखे उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े भी होंगे, किस शब्द में जुड़े हैं, तो विकल्प नंबर चार अकथनीय, अकथनीय में जुड़े हैं। ठीक है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। तो अगला प्रश्न है, जय शब्द का विलोम बनाने के लिए उपयुक्त उपसर्ग चुनिए, जय को आपको विलोम बनाना है तो कौन सा उपसर्ग उपयुक्त होगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा परा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा वो है पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से लिखें पराधीन का संधि विच्छेद लिखना है, चार विकल्प में से एक का आपको चयन करना है, आपको पास थोड़ा सा टाइम है संधि विच्छेद के लिए, कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से लिखें फटाफट, एक दो तीन चार में से, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, परधन अधीन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, परधन अधीन बराबर क्या हो जाएगा, पराधीन। संधि विच्छेद का मैंने वीडियो बनाया है एक अलग से, वो भी आप देखें। गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस शब्द में कौन सी जो है अशुद्धि है, लिंग संबंधी है, वचन संबंधी, काल संबंधी, आपको बताना है किस प्रकार की अशुद्धि है। गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो इस प्रकार से पूरे नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो काल संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, कि अजर शब्द का पर्यायवाची होगा, अब आपको अजर शब्द का पर्यायवाची बताना है, चार विकल्प भी मौजूद हैं, जल्दी से आप कमेंट के माध्यम से लिखें, चार पर्याय विकल्प में से आपको बताना है, तो सभी लोगों ने कमेंट में लिख दिया है, तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका सुर, अजर शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो सुर होगा, मतलब विकल्प नंबर जो दो है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरणी शब्द का पर्यायवाची होगा, दोस्तों आपने पढ़ा होगा तरणी, तरणी और तरुणी, इस प्रकार से तीन शब्द आते हैं और तीनों में कंफ्यूजन हमेशा होता है, तरणी शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है, चार विकल्प में से जल्दी से कमेंट में लिखें फटाफट। तो सभी लोग लिख रहे हैं कमेंट में, बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर भी बताया है, तरणी शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, जल्दी से उत्तर हो जाएगा इसका सूर्य, ये तरणी जो है इसका पर्यायवाची होगा सूर, और इसमें अगर बड़ी मात्रा लगी होती यहाँ पर और तरणी लिखा होता तो उसका जो होगा पर्यायवाची वो नाव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तरुणी, तरुणी लिखा होता तो उसका होता युवती पर्यायवाची। इस प्रकार से कई शब्द होते हैं जो आपको कंफ्यूज करने वाले होते हैं। अब आपको बताना है दिनकर शब्द का पर्यायवाची होगा, दिनकर शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है, जल्दी से लिखें कमेंट में, तो वीडियो को लाइक भी करते जाएं और शेयर भी करना है आपको, जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं उन्हें सब्सक्राइब भी करना है, जल्दी से फटाफट कमेंट में लिख रहे हैं आप।
और उत्तर इसका हो जाएगा प्रभाकर। विकल्प नंबर तीन इसका सही होगा प्रभाकर। दिनकर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रभाकर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कानन शब्द का पर्यायवाची है। कई बार पूछा गया है कानन, है ना, आपने एक सुना होगा नंदन कानन, एक राष्ट्रीय उद्यान है नंदन कानन, मतलब उसे नंदन वन भी कहा जाता है। तो कानन का पर्यायवाची क्या होगा? वन होगा, मतलब विकल्प नंबर जो दो है वो इसका सही हो जाएगा। कानन शब्द का पर्यायवाची होगा वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रसून शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रसून का जल्दी से लिखें, सभी को बहुत पसंद है और कमेंट के माध्यम से फटाफट लिखें जल्दी से। उत्तर हो जाएगा इसका सही कुसुम, विकल्प नंबर चार सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग बता रहे हैं उत्तर और सभी को बताना भी चाहिए, क्योंकि जब आप उत्तर लिखते हैं गलत भी करते हैं सही भी करते हैं, तब भी आप गलत करते हैं तो वो चीज आप सही जानकर आपके माइंड में सेट हो जाती है। तो सभी लोगों को उत्तर बताना है, जो भी हमारे भाई देख रहे हैं, है ना, सभी लोग बताएं पावक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आपको बताना है, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर एक होतासन। पावक शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो होगा होतासन। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों शत्रु शब्द का पर्यायवाची होगा। जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है, कमेंट के माध्यम से लिखना है। दोस्तों एक चीज और बता दें कि रोज सुबह 9:30 बजे ये जो टेस्ट है हिंदी का लाइव होता है, निरंतर ये टेस्ट सीरीज चल रही है, आप रोज 9:30 बजे इस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। शत्रु शब्द का सभी लोगों ने लिख दिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा अरि। शत्रु शब्द का पर्यायवाची होगा अरि, मतलब विकल्प नंबर एक जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेना शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। सेना से सभी लोग प्यार करते हैं और सेना का पर्यायवाची आप सभी को बताना है। जल्दी से लिखें कमेंट में, फटाफट लिख रहे हैं 1 2 3, जल्दी लिखें फटाफट, सभी लोगों को कमेंट में लिखना है। जब आप कमेंट में लिखते हैं तो आपको वो चीज और अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है, तो अनीक हो जाएगा विकल्प नंबर तीन, इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं खर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। जल्दी फटाफट लिखें खर, खर का सभी लोगों को पता होगा तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या हो जाएगा। सही उत्तर सभी लोगों ने कमेंट में लिख दिया है गधा। खर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गधा। ठीक है, नेक्स्ट है दर्प शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। दर्प, दर्प आपने सुना होगा कभी शब्द, दर्प शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? आप विकल्प नंबर 1 2 3 इस प्रकार से उत्तर में दे सकते हैं। आपका जो उत्तर है विकल्प नंबर एक सही है कि दो, तो विकल्प नंबर इसका एक सही है, अहंकार। दर्प शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अहंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंज, अंज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से लिखें फटाफट सभी लोग, अंज शब्द का पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अंज शब्द का पर्यायवाची कमेंट में लिखें आप विकल्प नंबर 1 2 या 3 जल्दी से। उत्तर हो जाएगा इसका क्या होगा? काजल। अंज शब्द का पर्यायवाची होगा काजल। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है विद्युत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से आपको कमेंट में लिखें, बहुत सारे कमेंट यहां पर आ रहे हैं और विद्युत शब्द का पर्यायवाची विकल्प नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके आप उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दामिनी। विद्युत शब्द का पर्यायवाची होगा दामिनी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वायु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से आपको टाइम दिया जाता है, वायु शब्द का कमेंट में लिखें और उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा, वायु का सभी को पता है अनिल, है ना, वायु शब्द। यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं सभी लोग अनिल और अनल में। अब देखना अनिल किसी का नाम होता है तो वो वायु के समान होता है और अनिल बहुत ही कम लोगों के नाम होते हैं। तो अनिल हो जाएगा वायु का और अनल हो जाएगा अग्नि का। यहाँ पर ये देखते चलना है। मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। बहुत ही कई बार पूछा गया है मृगेंद्र, कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, महत्वपूर्ण पर्यायवाची भी है यहाँ पर ये। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मृगेंद्र का उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 शार्दुल। शार्दुल इसका सही हो जाएगा मृगेंद्र शब्द का। ठीक है, नेक्स्ट है धरती शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। धरती, धरती पे आपको चार विकल्प आपके सामने मौजूद है, आपको कुछ टाइम भी दिया जा रहा है धरती शब्द का पर्यायवाची बताने के लिए। तो जल्दी से कमेंट में लिखना है। इसका सही उत्तर होगा अचला। अचला धरती शब्द का पर्यायवाची विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट में विकल्प नंबर डालना है 1 2 3 सही है कि 4 सही है, सभी लोग कमेंट में सभी को लिखना है। सारंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से, चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोर, विकल्प नंबर 3 सही होगा। सारंग शब्द का पर्यायवाची होगा मोर। आप लोग कमेंट में बता रहे हैं, सही सही भी बता रहे हैं, कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। तो इस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो सभी लोगों को बताना है गलत हो या सही, लेकिन जो भी गलत बताते हैं और उनको सही पता चलता है तो माइंड में सेट हो जाता है। इसलिए सभी को कमेंट में लिखना है तो इस शब्द का पर्यायवाची होगा विकल्प नंबर 1 जल। तो आपने पढ़ा होगा बारी, है ना, बारिज,
पानी ये सभी जल के पर्यायवाची होते हैं, तो तोय शब्द का जल हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची, कई बार गंगा का पर्यायवाची कई बार पूछा जाता है, गंगा का नदी का ये पर्यायवाची पूछे ही जाते हैं। जल्दी से कमेंट में लिखें, चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, गंगा का जो पर्यायवाची नहीं है बताना था यहाँ पर, आपने है तो नहीं लिख दिया कहीं, हाँ कुछ लोगों ने जरूर लिखा है, तो पर्यायवाची नहीं है बताना था, तो अर्कजा मतलब इसका नहीं है, ठीक है। त्रिपथगा है, सुरसरी है, सैलसुता है, अर्कजा नहीं है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से लिखें, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों कौन सा, विकल्प नंबर 3 वैदेही, वैदेही नहीं है सरस्वती का पर्यायवाची, ठीक है। सभी को पता है भारती, वाणी, बागेश्वरी ये सभी हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है, अब आपको नदी का नहीं है बताना है, चार विकल्प भी मौजूद हैं आपके सामने, जल्दी से लिखें कमेंट में उत्तर, 1 2 3 4 कौन सा उत्तर सही है आपके लिए, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 कालिंदी, कालिंदी जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जल्दी से लिखें कमेंट में, चंद्रमा, चंद्रमा का नहीं है तो वो कौन सा नहीं है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 चंद्रिका। अब देखना है यहाँ पर कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार पूछा भी जाएगा, चंद्रमा का चंद्रिका नहीं है, देखो ये पर्यायवाची नहीं है, और यहाँ पर चंद्रिका तो कोई टिक लगाकर ही नहीं आता, जिसको पता है वो ही लगाकर आता है, ठीक है। तो चंद्रिका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से बताएं, लक्ष्मी, रमा है, कमला है, भूमिजा नहीं है, भूमिजा नहीं है क्योंकि ये जानकी का पर्यायवाची है भूमिजा, तो विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, जल्दी से लिखें कमेंट में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि नाव का पर्यायवाची नहीं है, चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद है, नाव का पर्यायवाची नहीं आपको बताना है, जल्दी से लिखें फटाफट, जो भी नहीं लिख रहे हैं कमेंट में जल्दी फटाफट लिखें, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 तरणी, है ना, नाव का पर्यायवाची क्या होगा, विकल्प नंबर 2 होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, कौन सा अनुचर का पर्यायवाची नहीं है, अनुचर का बताना है आपको, चार विकल्प है, कई बार पूछा गया है अनुचर, जल्दी से लिखें कमेंट में, अनुचर का पर्यायवाची नहीं है आपको कमेंट में लिखना है, 1 2 या 3 4 कौन सा विकल्प आप सही मानते हैं, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 4, मतलब ये अनुचर का पर्यायवाची नहीं होगा, भरत नौकर परिचारक ये अनुचर के पर्यायवाची होंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है, अब कमल का पर्यायवाची नहीं है बताना है, तो जल्दी से लिखें फटाफट कमेंट में, सभी लोगों को लिखना है जो भी देख रहे हैं, सभी लोग लिख, उत्तर हो जाएगा इसका क्या, उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 कुसुमाकर जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। और दोस्तों आपको पता होगा कि रोज सुबह 9:30 बजे लाइव क्लास होती है, सभी लोग देख सकते हैं लाइव टेस्ट, जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की कर रहे हैं, सभी लोग देखें। निम्न में से कौन सा अरंड का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताएं, पर्यायवाची सभी लोगों ने पढ़े हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, अरंड का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है, तो सभी लोग कमेंट के माध्यम से लिखें, इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 4 पहाड़ जो है वो अरंड का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आम का पर्यायवाची, आम सभी लोग खाते हैं तो कमेंट के माध्यम से जल्दी लिखें, आपको आम कौन सा पसंद है, यहाँ पर आम का पर्यायवाची नहीं है बताना है, कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 सतदल जो है वो आम का पर्यायवाची नहीं है, सभी ने लिखा है सतदल काय का है, कमल का है सतदल, ये आम का नहीं है। तो अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अर्थ का पर्यायवाची नहीं है, अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, जल्दी से लिखो कमेंट में, सभी लोगों को लिखना है, कुछ लोग कमेंट में नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, बनता नहीं है उनसे या फिर लिख नहीं रहे हैं, तो जल्दी से लिखें, 1 2 3 तो लिखना ही है आपको कमेंट, आपका कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा 4 विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा, अर्थ का पर्यायवाची नहीं है तो वो कथन नहीं है, कारण है, धन है, मतलब है, ये सभी है। प्रश्न है कौन सा अचल का पर्यायवाची नहीं है, अचल, अचल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था धरती का पर्यायवाची अचला, ठीक है, अचल का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है, जल्दी से लिखें, 1 2 3 4 जल्दी कमेंट में लिखें, उत्तर हो जाएगा इसका
जंगल, विकल्प नंबर तीन जंगल हो जाएगा। ये अचल का पर्यायवाची नहीं होता, पर्वत होता है, नग होता है, पहाड़ होता है। ठीक है, निम्न में से कर का पर्यायवाची आपको बताना है। कर है ना, कर का बताएं जल्दी से, लिखें कमेंट में पर्यायवाची कौन सा है बताना है। अब यहां पर नहीं 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 करना, अब कौन सा कर का पर्यायवाची। इसी प्रकार से नहीं पूछ लिया जाता है, कभी है पूछ लिया जाता है। उत्तर होगा प्रहस्त। प्रहस्त जो है वो कर का पर्यायवाची है, तो याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से झंडा का पर्यायवाची कौन सा है। झंडा का जल्दी से बताएं आपको, झंडा का पर्यायवाची बताना है। चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, बहुत ही कठिन यहाँ पर पर्यायवाची हैं कुछ, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, वैजयंत सही होगा। झंडा का पर्यायवाची जो है वो वैजयंत सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से युवती का पर्यायवाची आपको बताना है। कई बार आपने पढ़ा है। अब यहाँ पर देखो, तरणी, रमणी, तरणी और भार्या ये शब्द आते हैं। अब यहाँ पर अगर तरुणी और दिया होता तो तरुणी मतलब तो युवती होता ही है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, सभी लोगों ने लिखा है कमेंट में, रमणी। विकल्प नंबर दो सही होगा, रमणी। ठीक है, निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है। ये तो हमेशा ही पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है और होगा भी आगे। निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है बताना है यहाँ पर, तो कौन सा है। जरा विकल्प क्वेश्चन पर ध्यान देकर आप उत्तर लिखा करें, तो कामदेव का पर्यायवाची होगा विकल्प नंबर एक, अनंग। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से हिरण का पर्यायवाची नहीं है। हिरण, हिरण सभी ने देखा, हिरण का पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा मृगराज। हिरण का जो पर्यायवाची नहीं है वो मृगराज नहीं है। मृगराज बोलते हैं शेर को, है ना, केसरी, केसरी प्लम देखी सभी लोगों ने, हिरण का पर्यायवाची नहीं है मृगराज। ठीक है, उत्तर मृगराज सही होगा। निम्न में से मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है, सभी लोग बताएं मोक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चार विकल्प में से एक विकल्प आपको चयन करना है, विकल्प लिखना है, एक दो तीन चार कौन से लिख रहे हैं, तो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर चार, स्वर्गवास जो है वो मोक्ष का पर्यायवाची नहीं होता। अपवर्ग, केवल और निर्वाण ये सभी मोक्ष के पर्यायवाची होते हैं। क्या है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं, आपने पढ़ा होगा, तो इसका सही जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, समास के कितने भेद होते हैं, आपको पता होगा समास के भेद कितने होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, आपको पूर्व पद प्रधान बताना है। तो उत्तर हो जाएगा इसका अव्ययीभाव समास का। अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है ना, याद रख लेना। अगला प्रश्न है, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जल्दी से लिखें कमेंट में, किस समास का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर चार, इनमें से सभी, द्विगु समास, कर्मधारय समास, उत्तर पुरुष समास, तीनों के होते हैं। अगला प्रश्न है, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, किस समास का दोनों पद अप्रधान होते हैं, किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा इसका बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास नहीं है, आपको कर्म तत्पुरुष समास नहीं है बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धनवान, विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में द्विगु समास नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दशरथ पुत्र, विकल्प नंबर चार इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में कर्मधारय समास है, उत्तर हो जाएगा इसका नीलकंठ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास है, आपको द्वंद्व समास बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर एक, जलवायु। जलवायु में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है, आपको बहुव्रीहि समास बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रपाणि, विकल्प नंबर चार इसका सही हो जाएगा, चक्रपाणि में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में अव्ययीभाव समास है, आपको अव्ययीभाव समास बताना है।
जिसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा सही उत्तर जल्दी से बताएं, उत्तर होगा प्रतिदिन। अव्ययीभाव भाव समास है प्रतिदिन में, विकल्प नंबर एक। अगला प्रश्न है, सभापति का समास विग्रह होगा, सभापति का समास विग्रह बताना है, तो इसका आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभापति का समास विग्रह, सभा का पति, विकल्प नंबर दो। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, चिड़ीमार का समास विग्रह, चिड़ीमार का समास विग्रह करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, विकल्प नंबर एक, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला चिड़ीमार का सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, गौशाला का समास विग्रह होगा, जल्दी से बताएं, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, गो के लिए साला, गो के लिए साला, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, जल्दी से बताएं बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, इसका सही जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर दो, कमलासन, कमलासन इसका सही हो जाएगा, कमलासन में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है, जल्दी से बताएं, कर्मधारय समास का उदाहरण आपको बताना है, सही जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर एक, महात्मा, महात्मा में कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, यज्ञशाला में कौन सा समास है, तो यज्ञशाला में आपको जल्दी से बताना है, जल्दी से कमेंट में लिख सकते हैं आप, विकल्प नंबर एक, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसका सही प्रश्न में, है ना। अगला जो प्रश्न है, यथासाध्य में कौन सा समास है, जल्दी से बताएं, यथासाध्य में आपने पढ़ा है कौन सा है, विकल्प नंबर तीन, अव्ययीभाव समास। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, पंचवटी में कौन सा समास है, जल्दी से बताने कमेंट के माध्यम से, पंचवटी में कौन सा समास है, उत्तर हो जाएगा इसका दिगु, दिगु समास है, दिगु समास आपने पढ़ा होगा, पंचवटी में कौन सा समास है, दिगु। हिमालय में कौन सा समास है, जल्दी से बताएं, तो चार विकल्प में से एक का चयन करना है, उत्तर इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर एक, संबंध तत्पुरुष, हिमालय में संबंध तत्पुरुष होता है ना। अगला जो प्रश्न है, तुलसीकृत में कौन सा समास है, तो तुलसीकृत में जल्दी से बताएं कौन सा समास है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों तो तुलसीकृत है ना, कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा तुलसीकृत में, है ना। अगला प्रश्न है, रोग मुक्त में कौन सा समास है, जल्दी से बताएं रोग मुक्त में कौन सा समास है, तो उत्तर हो जाएगा इसका अपादान तत्पुरुष, रोग मुक्त में कौन सा समास है, अपादान तत्पुरुष है। अगला प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास है, जल्दी से उत्तर आपको बताना है, इसका उत्तर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, रसोई घर में संप्रदान तत्पुरुष होगा। अगला प्रश्न है, आप बीती में कौन सा समास है, आप बीती में समास बताना है, जल्दी से बताएं कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर एक, अधिकरण तत्पुरुष, आप बीती में अधिकरण तत्पुरुष है, कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष, तो हाथों हाथ में कौन सा समास है, जल्दी से बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा, हाथों हाथ में कौन सा समास है, तो विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, हाथों हाथ में, हाथों हाथ में कौन सा है, अव्ययीभाव समास इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसे पद जिनमें दोनों पद आवश्यक हों या एक दूसरे के विपरीत हों किस समास के अंतर्गत आते हैं, जल्दी से कमेंट में लिखना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, विकल्प नंबर इसका, जिनमें दोनों पद आवश्यक एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो द्वंद समास इसका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर दो इसका सही होगा, एक दूसरे के विपरीत होते हैं और क्या होते हैं, दोनों पद आवश्यक भी होते हैं, तो इसका सही होगा द्वंद समास। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, उपमेय उपमान का संबंध किस समास में होता है, आपको बताना है तो किस समास में होता है, जल्दी से बताएं कमेंट में लिखें, उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर तीन, कर्मधारय समास में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अधिकरण कारक में विभक्ति का लोप होता है, अधिकरण कारक आपने पढ़ा होगा, कौन सी विभक्ति का लोप होता है, चार में से एक कमेंट में लिखना है, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, मैं पर, मैं पर जो विभक्ति होती है उसका लोप होता है अधिकरण कारक में। ठीक है, अगला प्रश्न है, संबंध कारक में विभक्ति का लोप होता है, तो संबंध कारक में कौन सी विभक्ति का लोप होता है, उत्तर हो जाएगा का, की विभक्ति का लोप होता है संबंध कारक में। अगला प्रश्न है,
कर्म कारक में विभक्ति का लोप होता है। जल्दी से लिखें कमेंट में, कर्म कारक में विभक्ति का लोप होता है तो कौन सी विभक्ति का लोप होता है? उत्तर इसका हो जाएगा को, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, कर्म कारक में विभक्ति का लोप होता है को। समास शब्द का अर्थ है, समास शब्द का अर्थ बताना है तो आपको पता ही होगा विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, समास शब्द में संक्षेप है ना, समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। जब प्रथम संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास है ना, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा, जब प्रथम संख्यावाची और दूसरा संज्ञा हो तो द्विगु समास। देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कौन से तत्पुरुष समास का उदाहरण है तो जल्दी से बताएं, देशभक्ति में कमेंट में लिखें फटाफट, इसका उत्तर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, देशभक्ति में संप्रदान तत्पुरुष होता है। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? विकल्प नंबर एक तत्पुरुष समास, दोनों शब्दों का समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है तत्पुरुष समास। वसीकरण में कौन सा समास है? तो जल्दी से बताएं, वसीकरण अभी पूछा भी गया था, वसीकरण में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है वसीकरण में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भरपेट में कौन सा समास है? आपको बताना है भरपेट में समास बताना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? भरपेट में समास होगा अव्ययी भाव समास, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है? जल्दी से लिखें कन्यादान में, उत्तर इसका सही होगा, कन्यादान में कौन सा समास है? चार बजे से एक चयन करना है तो विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है कन्यादान में, ठीक है, कन्यादान में कई बार पूछा गया है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर में आपको बताना है कौन सा समास है चंद्रशेखर में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीही समास, कौन सा है? बहुव्रीही समास। अगला जो हमारा प्रश्न होगा दोस्तों वो क्या है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो ये चंद्रशेखर में समास तो हो ही गया है अपना, बहुव्रीही समास है, ठीक है। महोदय में कौन सी संधि है? जी हाँ दोस्तों, महोदय में आपको बताना है कौन सी संधि है, चार विकल्प मौजूद हैं, जल्दी से आप टिक करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, महोदय में जो संधि है वो गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? चार विकल्प में से आपको एक का चयन करना है, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो, परिधन आवरण। नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है, धरेस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर दो, धरा धन ईश, धरा धन ईश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से कमेंट में लिखें, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, सत धन जन बराबर क्या होगा? सज्जन, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है, चार विकल्प में से इसका उत्तर होगा दोस्तों पवन, विकल्प नंबर दो सही हो जाएगा है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? चार में से जल्दी से टिक करें, कमेंट में लिखें, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीन, सत्कार, व्यंजन संधि का उदाहरण है निम्न में से। अगला क्वेश्चन है, निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर दो, निर्धन आशा, निराशा का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? आपको बताना है किस शब्द में विसर्ग संधि है, चार शब्द आपके पास है, चार विकल्प आपके सामने है, इसका सही उत्तर होगा विसर्ग संधि है अतएव, विकल्प नंबर तीन में विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, यथार्थ में कौन सी संधि है? चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो, दीर्घ संधि, यथार्थ में जो संधि है वो है दीर्घ संधि, स्वर संधि के अंतर्गत आती है दीर्घ संधि, यथार्थ में है दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, तल्लीन का संधि विच्छेद होगा, तल्लीन का संधि विच्छेद आपको बतानी है,
चार विकल्प ही आपके सामने मौजूद हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तत्धनलीन, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संगम का संधि विच्छेद होगा, जल्दी से बताएं, इसका उत्तर हो जाएगा सम धनगम, विकल्प नंबर एक सही है। अगला प्रश्न है बागीस में, बागीस शब्द को आपको संधि विच्छेद क्या हो गया, बागीस का संधि विच्छेद क्या होगा, चार विकल्पों में से एक का चयन करना है, बाक धन ईस बराबर जो दो नंबर का जो विकल्प है वो सही हो जाएगा, बाक धन ईस बागीस का सही संधि विच्छेद होगा, बराबर क्या हो जाएगा व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताएं कमेंट में, उत्तर हो जाएगा नह धन चल बराबर हो जाएगा निश्चल, विकल्प नंबर चार इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है यद्यपि, यद्यपि में कौन सी संधि है, यद्यपि में आपको संधि बतानी है कौन सी संधि है, उत्तर हो जाएगी, उत्तर जो होगा वो होगा विकल्प नंबर दो यण संधि, यद्यपि में कौन सी संधि है यण। अगला क्वेश्चन है परोपकार में कौन सी संधि है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि, कौन सी संधि है विसर्ग संधि, विकल्प नंबर तीन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपेक्षा में कौन सी संधि है, तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट में बताना है, इसका उत्तर हो जाएगा गुण संधि, विकल्प नंबर चार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भवन में कौन सी संधि है, आपको बताना है भवन में कौन सी संधि है, तो इसका सही उत्तर जो होगा अयादि संधि, विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, भवन में अयादि संधि है। अगला प्रश्न है दिग्गज में कौन सी संधि है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा विकल्प नंबर एक व्यंजन संधि, दिग धनगज बराबर दिग्गज होगा, व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। अगला प्रश्न है कपीस में कौन सी संधि है, आपको बताना है कपीस में कौन सी संधि है, जल्दी से कमेंट में बताएं, इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि, विकल्प नंबर चार इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धत में कौन सी संधि है, जल्दी से बताएं उद्धत में कौन सी संधि है, अगर आपने संधि पढ़ी है तो जल्दी से बता दें कमेंट में लिखें, उत्तर हो जाएगा दोस्तों व्यंजन संधि, उद्धत में व्यंजन संधि होगा। अगला क्वेश्चन है उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्धार का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा उत धन हार बराबर जो विकल्प नंबर एक है वो सही होगा, उत धन हार बराबर उद्धार। अगला क्वेश्चन है अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा, अजंत का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा विकल्प नंबर दो अच धन अंत। अगला प्रश्न है उज्ज्वल का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर तीन उत धन ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, विच्छेद का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक बी धन छेद। अगला प्रश्न है उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, उल्लास का संधि विच्छेद बताना है, चार विकल्प में से टिक करना है, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर तीन उत धन लास। अगला प्रश्न है सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, जी हाँ दोस्तों सद्भावना का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा सत्य धन भावना, विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा सत्य धन भावना। नेक्स्ट प्रश्न है सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदैव का संधि विच्छेद आपको बताना है, सदैव चार विकल्प में से एक का चयन भी करना है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सदा धन एव बराबर क्या हो जाएगा सदैव, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतेंदु का संधि विच्छेद क्या होगा, जी हाँ दोस्तों भारतेंदु का जो संधि विच्छेद है वो आपकी बताना है, तो चार विकल्प में से आपने चयन कर लिया, कमेंट में जल्दी से लिखें भारतेंदु का संधि विच्छेद होगा विकल्प नंबर तीन भारत धन इंदु बराबर होगा भारतेंदु। अगला प्रश्न है पित्रादि का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताएं पित्रादि का, तो इसका उत्तर हो जाएगा पित्रादि का संधि विच्छेद होगा विकल्प नंबर एक पित्र धन आदि। अगला प्रश्न है निर्विकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निर्विकार का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा दोस्तों निधन विकार
विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीरांगना का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना है वीरांगना का संधि विच्छेद, तो इसका सही उत्तर होगा वीर धन अंगना। विकल्प नंबर जो 1 है वो सही हो जाएगा, वीरांगना का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सत्य धन आग्रह। विकल्प नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? बधूर्मी का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों विकल्प नंबर 2, बधु धन ऊर्मी, इसका बधूर्मी का संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा सु धन आगत, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नयन का संधि विच्छेद आपको बताना है कमेंट के माध्यम से, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, ने धन अन बराबर क्या होगा नयन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तदुपरांत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको बताना है इसका सही उत्तर होगा तदुपरांत का तत् धन उपरांत, विकल्प नंबर 2 दिया है जो वो सही दिया है तत् धन उपरांत। अगला जो हमारा प्रश्न है, तपोवन का संधि विच्छेद आपको बताना है, तपोवन का 4 में से 1 आपको कमेंट में लिखना है, इसका उत्तर होगा तपह धन वन, विकल्प नंबर 1 जो दिया है तपह धन वन वो सही हो जाएगा तपोवन का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचय का संधि विच्छेद क्या होगा? संचय का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सम धन चय, विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा संचय का संधि विच्छेद। अगला जो हमारा प्रश्न है, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्नाकर आपको बताना है, रत्नाकर का संधि विच्छेद, तो इसका सही उत्तर होगा रत्न धन आकर, विकल्प नंबर 1 जो है वो सही होगा रत्नाकर का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागदान का संधि विच्छेद क्या होगा? बागदान का आपको कमेंट में जल्दी से लिखें, बागदान का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा विकल्प नंबर 1, बाक धन दान बराबर बागदान, व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। प्रश्न है दोस्तों, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नापतोल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? आपको बताना है, तो जल्दी से आप कमेंट में लिखें इसका सही उत्तर, 4 विकल्प में से 1 सही बताना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प नंबर 2, द्रव्यवाचक। जिन संज्ञा शब्दों के पदार्थों के नापतोल का जो है बोध होता है उसे द्रव्यवाचक कहा जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जल्दी से आपको बताना है, व्यक्ति स्थान या वस्तु है ना, तो क्या कहते हैं जल्दी से बताएं, तो इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है, सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्ति विशेष का वस्तु, यहाँ पर लिखा है कि व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, तो एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एक ही प्रकार की वस्तुओं का, तो जल्दी से आपको पता होगा उत्तर हो जाएगा इसका सही विकल्प नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा है ना, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब यहाँ पर लड़का शब्द दिया, इसका भाववाचक शब्द आपको बनाना है, तो जल्दी से कमेंट में लिखें कौन सा उत्तर सही होगा, तो इसका सही जो उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, लड़कपन, लड़का का लड़कपन जो होगा वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? जल्दी से आपको बताना है, तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होगी जल्दी से बताएं, उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? जल्दी से 4 कमेंट आपको दिए हैं, 4 विकल्प आपको दिए हैं, 4 में से 1 का उत्तर आपको बताना है, तो यमुना जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यमुना है ना, यमुना ये व्यक्ति विशेष मतलब किसी का नाम है, नदी का नाम है, तो यमुना। मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है, मित्रता से भाववाचक संज्ञा बनी है, तो किससे बनी है? सर्वनाम से, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, किससे बनी है मित्रता?
तो जातिवाचक संज्ञा से मित्र क्या है, मित्र है जातिवाचक संज्ञा, और मित्रता की बात आ जाती है तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इस प्रकार से ये मित्र जातिवाचक संज्ञा से मित्रता जो शब्द बना है वो भाववाचक संज्ञा बन गया है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जल्दी से बताएं, चार में से एक का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदर। सुंदर जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा छांटिए, भाववाचक संज्ञा छांटना है आपको, जल्दी से बताएं। उत्तर इसका सही होगा करुणा। करुणा जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, लेखक है, शिक्षक है, वकील है। चौथा विकल्प नंबर इसका चार जो है वो सही हो जाएगा, मीठा, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है तो गंगा, गंगा नदी का नाम है। अगर नदी दिया होता तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन गंगा नाम दिया है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, सर्वनाम के 6 भेद हैं, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद हैं तो कितने हैं, 3 भेद हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इस प्रकार से हमने पढ़े हैं। मैं आगरा खुद चला जाता हूं, मैं सर्वनाम है, आपको सर्वनाम बताना है कौन सा सर्वनाम है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, निजवाचक सर्वनाम। इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन आया है मैं सर्वनाम है, कौन आया है मैं सर्वनाम कौन सा है, आपने सर्वनाम पढ़े हैं, तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह भी इसमें लगा है, तो कौन आया है, इस प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें हो जाएगा। संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा संज्ञा का उदाहरण, जल्दी से कमेंट में लिखें, तो वह जो है संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, वह जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है सर्वनाम। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में समूहवाचक संज्ञा होगी, अब समूहवाचक संज्ञा कौन सी है आपको बताना है, समूहवाचक, तो इसका सही उत्तर होगा सभा, सभा जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है, आज देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है, रेखांकित शब्द दिया है हरिश्चंद्रों, तो हरिश्चंद्रों में कौन सी संज्ञा है, यहाँ पर जो रेखांकित दिया है वाक में प्रयोग है इसलिए आपको बताना है, इसका सही उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा, विकल्प नंबर चार इसका सही हो जाए, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, मतलब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अहंकार शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, जल्दी से बताएं, उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है अहंकार शब्द। नेक्स्ट है, मिठास शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, मिठास शब्द जल्दी से बताएं, मिठास शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है मिठास। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द में संज्ञा हमें बतानी है, देश रत्न में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से कमेंट में लिखना है, उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा बताएं, चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, जातिवाचक आपको संज्ञा बतानी है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, लड़का, लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाता है, लड़का में जितने भी लड़के आएंगे सारे के सारे लड़के, मतलब जातिवाचक संज्ञा, लड़कों की एक जाति हो जाएगी। जो देता है सो लेता है मैं सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है कमेंट में लिखना है आपको, जो देता है सो लेता है, उत्तर इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर एक, संबंधवाचक, कौन सा हो जाएगा विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, वह कुछ लाया था मैं सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, वह कुछ लाया था, जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा विकल्प नंबर दो, अनिश्चय वाचक, वह कुछ लाया था, मतलब निश्चित नहीं है कुछ लाया था, अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है हमें, चार विकल्प हैं, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चार, कुटिया जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीन, गीदड़ी, गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी। नेक्स्ट है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से आपको कमेंट बताना है, चार विकल्प हैं,
इसका सही उत्तर हो जाएगा बचन। शब्द के जिस रूप से ये कहने का बोध होता है उसे कहते हैं बचन। इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है जल्दी से बताएं, इनमें पुल्लिंग शब्द बताना है। चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, तो इसका सही उत्तर होगा क्या, आचरण। आचरण क्या है, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों सुंदर। सुंदर जो शब्द है विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। भलाई, अपनापन, पढ़ाई, ये सारे सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आए। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो चार विकल्प हैं, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर चार, मीठा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, वीडियो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर एक, संज्ञा कहते हैं। आपने संज्ञा पढ़ी होगी, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जल्दी से बताएं कमेंट में। व्युत्पत्ति के आधार पर आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों विकल्प नंबर एक, तीन। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं वो तीन होते हैं, अभी हम बताएंगे आपको अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। ठीक है, अब हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, जल्दी से बताएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर एक, संज्ञा के आधार पर। अगला हमारा प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपको पता ही होगा उत्तर इसका हो जाएगा विकल्प नंबर एक, पांच प्रकार की। अर्थ के विचार से जो संज्ञा होती है वो पांच प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, आपको बताना है। अपने संज्ञा पढ़ी होगी, व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार की, अर्थ के आधार पर पांच प्रकार की, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है आपको बतानी है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर चार, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है, जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपादान कारक। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद हैं, जल्दी, आपने कारक पढ़े होंगे, भेद कितने हैं, उत्तर हो जाएगा आठ, विकल्प नंबर दो इसका सही है। अगला प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है आपको बताना है, तो पर कौन सा कारक है, तो इसका सही उत्तर होगा अधिकरण कारक। आपने पढ़ा होगा अधिकरण में पर, है ना, तो अधिकरण कारक इसका हो जाएगा सही। के लिए किस कारक का चिन्ह है, जल्दी से बताएं कमेंट में, के लिए किस कारक का चिन्ह है, उत्तर हो जाएगा मित्रों संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, जल्दी से बताएं, जल्दी से आपको कमेंट में बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों वो देखते हैं क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, कमेंट में आपने लिख लिया, उत्तर होगा इसका परिषद। यहां पर चार विकल्प में विकल्प नंबर चार इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी, आपने भाववाचक संज्ञा पढ़ी होगी, तो चार विकल्प में से इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा शत्रुता, शत्रुता विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है, अब आपने एकवचन, बहुवचन ये पढ़े होंगे, हिंदी में वचन पढ़े होंगे, ठीक है, तो हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, आपको बहुवचन बताना है, तो कौन सा है, उत्तर होगा प्राण, प्राण हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, तो विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो में कारक है, आपको यहाँ पर कारक बताना है कौन सा कारक है, तो जल्दी से बताएं कमेंट में, उत्तर हो जाएगा संबोधन, कौन सा कारक है, संबोधन कारक। आपने कारक तो अच्छे से पढ़े ही होंगे, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है, अब यहाँ पर चार शब्द दिए हैं, चार विकल्प दिए हैं, उनमें से आपको संज्ञा बताना है कौन है, तो इसका सही जो उत्तर होगा विकल्प नंबर दो सही हो जाएगा, जो क्रोध है वो संज्ञा है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना वचन कितने प्रकार के होते हैं, चार विकल्प हैं, इसका सही जो उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, जल्दी से बताएं सर्वनाम के प्रकार बताना है, तो इसका सही जो उत्तर होगा विकल्प नंबर चार, सर्वनाम के कितने भेद हैं, छह भेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सभी को पता है
शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। उत्तर होगा विकल्प नंबर ए सर्वनाम। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग आपको बताना है, चार विकल्प भी मौजूद है, तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवित्री, है ना। और ये शब्द शुद्धि में भी पूछ लिया जाता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्याकरण के आधार पर प्रेम शब्द क्या है, आपको बताना है व्याकरण के आधार पर प्रेम शब्द क्या है, तो उत्तर हो जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा। व्याकरण के आधार पर प्रेम जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, विकल्प नंबर तीन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, जल्दी से बताओ किस प्रकार का सर्वनाम है मुझे, तो आपने सर्वनाम पढ़े होंगे उत्तम पुरुष, है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना, तो इनमें से क्या हो जाएगा विकल्प नंबर एक सही होगा। अगला प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, जल्दी से बताएं, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर तीन एह, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा, मानव से या मानव का क्या विशेषण क्या होगा, जल्दी से बताएं, उत्तर होगा मानवीय, विकल्प नंबर दो इसका सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण आपको पढ़ाना है, विशेषण के भेद पढ़े होंगे आपने, गुणवाचक जो विशेषण होगा विकल्प नंबर दो हो जाएगा नया, गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, सर्वनाम पढ़े होंगे, संबंधवाचक सर्वनाम बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक जो, जो जो है वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब आपको बताना है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, जल्दी से बचाएं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चार विकल्प में उत्तर हो जाएगा इसका कोई, विकल्प नंबर तीन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह क्या है, जल्दी से बताएं, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, तो यह जो है वो है सर्वनाम, यह क्या है, सर्वनाम, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है, क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है, तो आपको बताना है, जल्दी से बताएं, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या होगा, विकल्प नंबर एक धातु, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाती है। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, चार विकल्प में से जल्दी से पढ़ें और उत्तर बताएं, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर कौन सा दो, यह स्थान बहुत अच्छा है, इसमें जो है विशेषण के रूप में अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, जो काम का नाम बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, आपको बताना है, तो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर चार क्रिया, काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्रिया कहा जाता है ना। अभिकारी शब्द होता है, आपने पढ़े होंगे बेकारी शब्द और अभिकारी शब्द, अब आपको यहां पर बताना है अभिकारी शब्द होते हैं कौन से होते हैं, जल्दी से बताएं, तो उत्तर होगा विकल्प नंबर चार, अव्यय जो होते हैं वो अभिकारी शब्द होते हैं, जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वो अभिकारी शब्द है, ठीक है, और जिनमें लिंग वचन आदि के कारण विकार उत्पन्न होता है वे बेकारी शब्द हैं। अव्यय के कितने भेद हैं, जल्दी से बताएं, अव्यय के कितने भेद हैं, तो उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर एक चार भेद हैं, अव्यय के चार भेद हैं। अगला जो हमारा प्रश्न होगा, बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है, आपको बताना है बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था क्या होगा, जल्दी से कमेंट में लिखें, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर चार बृहत्तम, उत्तमावस्था यहां पर पूछा है तो इसका विकल्प नंबर चार सही हो जाएगा बृहत्तम। अगला प्रश्न है, आदर शब्द से विशेषण बनेगा, आदर से कौन सा विशेषण बनेगा, जल्दी से लिखें कौन सा विशेषण बनना है, उत्तर होगा इसका क्या होगा आदरणीय, विकल्प नंबर तीन सही हो जाएगा, आदर शब्द से जो बनेगा वो आदरणीय, विकल्प नंबर तीन। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकाल के भेद इंगित कीजिए, जल्दी से, आपने भूतकाल के भेद पढ़े होंगे उनमें भूतकाल के भेद आपको इंगित करना है और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्तर इसका होगा विकल्प नंबर दो पूर्ण भूत, मैं खाना खा चुका हूं मतलब ये भूतकाल की बात हो गई, पूर्ण भूत की बात हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है, अपादान कारक की आपको विभक्ति बताना है, क्या है विभक्ति, तो वो है से, है ना, अपादान से, अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है,
किसी भी चीज से, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते, वहां पर अपादान कारक होगा। तो ये करण से भी हम पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो प्रयोग होता है वो अलग होने के लिए किया जाता है। ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से बताएं। आपने पढ़े होंगे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, उत्तर होगा विकल्प नंबर एक जो है तीन, तीन प्रकार के होते हैं वाच्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नल बूंद बूंद टपक रहा है, आपको बताना नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है, जैसे यहां पर रेखांकित किया गया है बूंद बूंद को। अब बूंद बूंद क्या है आपको बताना है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है, जल्दी से बताएं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन, क्रिया विशेषण। बूंद बूंद जो है एक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। अब आधा लीटर यहां पर रेखांकित किया गया है, आपको बताना है कौन सा विशेषण है, यहां पर क्या बताया जा रहा है, यहां पर बताया जा रहा है परिणाम वाचक, क्या है, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, परिमाण वाचक, है ना, यहां पर परिणाम लिख गया था, परिमाण वाचक है वो सही। ठीक है, तो विकल्प नंबर जो तीन है वो इसका सही हो जाएगा, परिमाण वाचक, दूध मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला हमारा क्या है, क्या है जल्दी से बताएं, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, तो कौन सा कारक है जल्दी से लिखें, गरीबों को वस्त्र दो में कारक हमें बताना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, कर्म कारक। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं, तो आपको पता होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या कहलाते हैं, तत्सम। ठीक है, सभी ने उत्तर बताया होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, आपको रूढ़ शब्द बनाना है कि निम्न में से रूढ़ कौन है, चार विकल्प हैं, उत्तर इसका सही होगा क्या, पशु, क्या है, पशु। अगला क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है, जल्दी से बताना है आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जलज, ये जो शब्द है ये योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, जल्दी से बताएं कमेंट में, इसका सही उत्तर हो जाएगा वैभव, ये रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, जल्दी से बताएं कमेंट में, कौन से वर्ग में आता है परीक्षा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तत्सम, परीक्षा शब्द तत्सम वर्ग में आता है। अगला प्रश्न, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्सम, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों देशज, क्या कहा जाता है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज कहा जाता है, विकल्प नंबर तीन इसका सही होगा। ठीक है, यहां पर मिस्टेक थी, तत्सम लिखा था जबकि देशज सही है। अगला प्रश्न है हमारा, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं, कई सार्थक खंड हो जाएं उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट में लिखें, उत्तर सही हो जाएगा यौगिक, क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, आपको तद्भव शब्द का चयन करना है, कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोह, मोह जो है ये तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है, जल्दी से कमेंट में बताएं, विभावरी तो तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जल्दी से बताएं, चार कमेंट है, चार विकल्प आपके सामने है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, समानार्थक, प्रयोग के आधार पर सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द समानार्थक कहलाते हैं, जल्दी से बताएं यौगिक शब्द कौन सा है, चार विकल्प में से इसका सही उत्तर होगा पाठशाला, यौगिक शब्द कौन सा है, पाठशाला। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, जल्दी से करें, तत्सम शब्द कौन सा है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर दो, गोधूम, गोधूम जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है, जल्दी से बताएं, योगरूढ़ बताना है आपको, इसका सही
सही उत्तर होगा दोस्तों लंबोदर। लंबोदर जो शब्द है वो योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जल्दी से करें, तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। तो इसका सही उत्तर देखें, उत्तर हो जाएगा इसका वर्षा। विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा, वर्षा जो है वो तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। जल्दी से बताएं, तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, कैंची। अगला क्वेश्चन है, चाय किस भाषा का शब्द है। जल्दी से बताएं, चाय, तो उत्तर हो जाएगा चीनी। चीनी भाषा का शब्द है चाय, और चाय उत्पादन में भी आगे है चीनी। तो याद रख लेना, चाय में चीनी, चाय चीनी शब्द है। दशानन किस प्रकार का शब्द है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों योगरूढ़। दशानन जो है वो योगरूढ़ प्रकार का शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, लोटा किस प्रकार का शब्द है। कई बार पूछा गया है ये लोटा, आपको बताना है किस प्रकार का शब्द है। इसका सही उत्तर होगा देशज। लोटा जो शब्द है वो देशज है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द छांट कर बताइए। जल्दी से बताएं, तत्सम, तत्सम बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर चार, घोटक। तत्सम शब्द है घोटक। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द छांट कर बताइए। तो जल्दी से बताएं, तत्सम, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर तीन, रोशनी। तत्सम शब्द जो है वो क्या है, रोशनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द छांट कर बताना है आपको। तत्सम बताएं जल्दी से चार विकल्प में से। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, क्षेत्र। क्षेत्र जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द बताना है आपको, चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। तो इसने आपने बता दिया होगा कमेंट में, उत्तर होगा कुपात्र, विकल्प नंबर दो, कुपात्र सही है इसका। निम्न में से तत्सम शब्द छांट कर बताइए, जल्दी से बताइए तत्सम शब्द, उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्म, विकल्प नंबर चार, इसका सही हो जाएगा। जो कर्म है वो सही है तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है, अचरज का तत्सम शब्द क्या है। अचरज का आपको तत्सम शब्द बताना है क्या होगा, कमेंट में आपको लिखना है, जल्दी से लिखें। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर तीन, आश्चर्य। अचरज का तत्सम शब्द आश्चर्य। अगला क्वेश्चन है, आज का तत्सम शब्द क्या है। चार विकल्प आप पढ़ लें, आज का तत्सम शब्द आपको बताना है। तो आपने पढ़ लिए चार विकल्प, देखें इसका उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों अद्ध। आज का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, अद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केला का तत्सम शब्द, केला का तत्सम शब्द आपको बताना है क्या है केला का। चार विकल्प में से एक का आपने चयन कर लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर दो, कदली। केला का तत्सम होता है कदली। अगला क्वेश्चन है, आसरा का तत्सम शब्द क्या है। जल्दी से कमेंट में बताएं, इसका उत्तर होगा आश्रय। आसरा का तत्सम शब्द होगा आश्रय। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब यहाँ पर चार विकल्प हैं, तत्सम नहीं है बताना है, तो कौन सा नहीं है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, आंख। आंख जो है ये तत्सम नहीं है, बाकी चार विकल्प क्या हैं, तत्सम हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एकस्त का तद्भव शब्द है। एकस्त का तद्भव शब्द बताना है क्या होगा, एकस्त का तद्भव। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका विकल्प नंबर एक, इकट्ठा। एकस्त का तद्भव इकट्ठा। ज्वलन का तद्भव शब्द है, जल्दी से बताएं, ज्वलन, ज्वलन का तद्भव क्या होगा। देख लिया, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर ए, जलना। ज्वलन का जो तद्भव शब्द होता है वो क्या होता है, जलना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी, हल्दी का तत्सम शब्द आपको बताना है। चार विकल्प भी हमारे सामने मौजूद हैं, और कई बार पूछा भी गया है हल्दी का तत्सम शब्द। उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, हरिद्रा। हल्दी का तत्सम शब्द होगा हरिद्रा। नेक्स्ट है, उबटन, उबटन का तत्सम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताएं। चार विकल्प में से एक का हमें चयन करना है। उबटन का तत्सम शब्द भी हमें बताना है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा उद्गर्तन, विकल्प नंबर एक, इसका सही हो जाएगा उपटन का तत्सम शब्द। खीर का तत्सम शब्द है, जल्दी से बताएं, खीर का तत्सम शब्द। उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, क्षीर। खीर का तत्सम शब्द होगा क्षीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बत्ती का तत्सम शब्द है, तो बत्ती का तत्सम शब्द क्या होगा आपको कमेंट में लिखना है। उत्तर होगा वर्तिका, विकल्प नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, बत्ती का तत्सम है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्रंथि का तद्भव शब्द है, आपको बताना है ग्रंथि का जो तत्सम तद्भव शब्द है वो क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 गांठ। ग्रंथि का तद्भव जो शब्द होता है वो गांठ होता है। नेक्स्ट है अस्थि का तद्भव शब्द है, अस्थि का तद्भव शब्द आपको बताना है क्या होगा अस्थि का, आपने कमेंट में लिख दिया तो उत्तर देखते हैं हड्डी, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, अस्थि का तद्भव शब्द होगा हड्डी। अगला हमारा प्रश्न है गोमल, गोमल का तद्भव शब्द क्या है, जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है गोमल का तद्भव शब्द, जिसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 गोबर, गोमल का तद्भव शब्द होता है गोबर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, जल्दी से बताएं कौन सा शब्द तद्भव है, 4 विकल्प में से 1 का चयन आपको करना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपको तद्भव बताना है तो उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 दंत, मृतस्य, मृत्यु, ये शब्द कैसे हैं तत्सम है, और ये जो कंधा है वो क्या है तद्भव शब्द है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, आपको बताना है कहाँ होता है उपसर्ग का प्रयोग, तो आपने कमेंट में लिख लिया होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा शब्द के प्रारंभ में, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 4 प्रत्यय, शब्द के अंत में जो जुड़ता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है निर्वाह में उपसर्ग है, आपको बताना निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, 4 विकल्प मौजूद हैं, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 निर, निर्वाह में उपसर्ग होगा निर। अगला प्रश्न है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, तो जल्दी से बता दें आप, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 अव्यवस्था, मतलब आ हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, समूहवाचक प्रत्यय आप समझते होंगे, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है बताना है, इसका सही उत्तर होगा प्रेस, ये समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, गण, लोग और वर्ग ये समूहवाचक प्रत्यय है, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बताएं, तो 4 विकल्प में से 1 का चयन कर लिया होगा, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 प्रति। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रख्यात, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो जल्दी से कमेंट में लिखें, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 1 पिर, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है पिर। अगला प्रश्न है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 1 अनु, अनुवाद में अनु जो है उपसर्ग है। अगला प्रश्न है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, आपको बताना है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 बे। अगला क्वेश्चन है हमारा किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो कमेंट में आपको लिखना है, उत्तर हो जाएगा समेत, जो विकल्प नंबर 1 है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको पता है आपने कमेंट में भी लिखा है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, जल्दी से बताएं कमेंट में, 4 विकल्प में से सही जो इसका उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 1 अक, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है अक। अगला क्वेश्चन है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो जल्दी से आपको पता होगा सरल है, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 आ। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है किस शब्द में प्रयोग हुआ है, किस में नहीं हुआ है, तो जल्दी से लिखें किस में हुआ है पूछा गया यहाँ पर, तो उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 4 जादूगर। अगला प्रश्न है मानवीय में उपसर्ग है, तो जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है कौन सा उपसर्ग है, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 आ, आ उपसर्ग।
इसमें कुछ। तो दोस्तों इसका जो प्रश्न पूछा गया है वो अमानवीय है ना, मानवीय उसमें लिख गया था अमानवीय, अमानवीय में उपसर्ग बताना था, तो आ उपसर्ग है ना, विकल्प नंबर इसका क्या है, आ सही है। अगला प्रश्न है, पिर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पिर से नहीं है बताना है, चार विकल्प हैं, उत्तर हो जाएगा इसका प्रतिशोध, क्या हो जाएगा, प्रतिशोध, ये पिर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है, भुक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बताएं, उत्तर हो जाएगा अक्कड़, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो जल्दी से कमेंट में लिखें, औती, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा, मनोती में औती प्रत्यय है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, उपसर्ग रहित शब्द बताना है, चार विकल्प मौजूद हैं, जल्दी से कमेंट में लिखें, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर चार, कुलीन, कुलीन उपसर्ग रहित शब्द है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, जल्दी से लिखें, आवा प्रत्यय नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन, लावा, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पुरोहित शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से कमेंट में लिखें, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, पुरह, पुरोहित शब्द में पुरह उपसर्ग होता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है विज्ञान शब्द में, आपको बताना है, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, वी, वी उपसर्ग है ना विज्ञान शब्द में। अगला प्रश्न है, घटना शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका जो है अर्थ व्यापक घटना हो जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दुर, दुर उपसर्ग लगा दो अगर, तो इसका क्या हो जाएगा, दुर्घटना, मतलब इसका जो अर्थ है वो व्यापक हो जाएगा, ठीक है, तो विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिरायु शब्द में उपसर्ग है, आपको बताना है चिरायु शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, चिर, कौन सा उपसर्ग है, चिर उपसर्ग है, चिरायु में चिर उपसर्ग। अगला प्रश्न है, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना है संस्कार में, आपने पढ़ा होगा, उत्तर इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर एक, सम, संस्कार में जो उपसर्ग है दोस्तों वो है सम, है ना। अगला क्वेश्चन है, नास में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ कभी खत्म ना होने वाला हो जाता है, तो कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका जो अर्थ होता है वो कभी खत्म ना होने वाला हो, तो इसका सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर दो, अभी, नास में अविनाश कर दो तो वो कभी ना खत्म होने वाला इसका अर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्सम उपसर्ग है, अब आपको तत्सम उपसर्ग बताना है, तत्सम मतलब संस्कृत, संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है, जल्दी से बताएं, इसका उत्तर हो जाएगा दुर, है ना, आपने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े होंगे, दुर ये तत्सम उपसर्ग कहलाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आपलक में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बताएं, चार विकल्प हैं, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो, आ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है, जल्दी से बताएं, आपको संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सारे के सारे उपसर्ग याद होंगे, उत्तर हो जाएगा इसका वी, जो है वो संस्कृत का उपसर्ग है, विकल्प नंबर चार इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिंदी का उपसर्ग है, आपको बताना हिंदी का उपसर्ग कौन सा है, तो जल्दी से लिखें, इसका उत्तर होगा दोस्तों विन, जो है वो हिंदी का उपसर्ग है, विकल्प नंबर जो एक है वो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग है, नहीं है, संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, तो जल्दी से बताएं कौन सा नहीं है, उत्तर होगा इसका कम, विकल्प नंबर तीन, ये जो कम है ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, आपने याद होंगे आपको संस्कृत के उपसर्ग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी का उपसर्ग नहीं है, अब अंग्रेजी का यहाँ पर पूछ लिया गया है तो कौन सा नहीं है, जल्दी से लिखें, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीन, सर, सर ये अंग्रेजी का नहीं है, ये उर्दू का है, ठीक है। तो अगला हमारा प्रश्न है, संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं, जल्दी से लिखें, तो उत्तर हो जाएगा वाइस, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है, आपने प्रत्यय पढ़े होंगे कितनी है, तो 28 है, कृत प्रत्यय की संख्या 28 है, ठीक है, विकल्प नंबर एक इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यय
कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के, तत् प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। और एक और होता है स्त्री प्रत्यय, वो अलग होता है, लेकिन दो प्रकार से माने जाते हैं प्रत्यय, तद्धित और तत् प्रत्यय। अगला प्रश्न है, वे शब्दांश जो केवल क्रिया मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं कहलाते हैं, क्रिया के जो है मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, जनरल उपसर्ग है, जनरल जो है वो काय का उपसर्ग है, आपको बताना है किस भाषा का है, अंग्रेजी का है, हिंदी का है, संस्कृत का, तो जल्दी से बताएं। उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी का, आपको अंग्रेजी की भी उपसर्ग याद करना है। अगला प्रश्न है, अभी उपसर्ग का अर्थ है, जल्दी से बताएं अभी का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, सामने। अभी उपसर्ग का अर्थ होता है सामने। अगला प्रश्न है, अल उपसर्ग का अर्थ है, अल का आपको बताना है, अल का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर सही होगा क्या, अल का निश्चित, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा। अब दोस्तों आपको अर्थ भी याद करना है, अभी तक आपने उपसर्ग याद किए थे, अब उसके अर्थ भी याद करना है। अल उपसर्ग का अर्थ आपको बताना है तो निश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा उर्दू का उपसर्ग है, कौन सा है उर्दू का उपसर्ग, अपने उर्दू के सारे उपसर्ग याद कर लिए होंगे। उत्तर हो जाएगा ला, ला जो है वो उर्दू का उपसर्ग माना जाता है। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, इस सारे के सारे उपसर्ग आपको याद करना है, इनके अर्थ भी याद करना है, तब आपके एक दो नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। कौन सा उर्दू का उपसर्ग है, तो ला विकल्प नंबर एक सही होगा। किस उपसर्ग का पीछे होता है, किस उपसर्ग का अर्थ पीछे होता है, तो जल्दी से बताएं। इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, अनु। अनु जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है क्या, पीछे। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, आपको बताना भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। तो चार विकल्प में से आपको चयन करना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्ण। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, वर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, अयोगवाह वर्ण कौन से कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन से कहलाते हैं, विकल्प नंबर चा, अम और अहा, है ना, चार नंबर विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, तो जल्दी से बताएं कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दो, है ना, वर्ण या अक्षर जो होते हैं दो प्रकार के, स्वर या व्यंजन, ठीक है। अगला प्रश्न है, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, जल्दी से बताएं क्या कहलाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों, कंठ तालब, क्या कहलाते हैं, कंठ तालब, विकल्प नंबर एक जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, आपको चार विकल्प में से बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर। अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा इसका, अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अच, विकल्प नंबर जो एक दिया है वो सही हो जाएगा, अच नाम से जाना जाता है, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अच। अगला प्रश्न है, सा 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 और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, आपको चार में से एक का चयन करना है, कमेंट के माध्यम से बताना है। उत्तर हो जाएगा इसका संघर्षी, विकल्प नंबर तीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, आपने सघोष और अघोष पढ़े होंगे, है ना, घोष, तो वो है विकल्प नंबर तीन, मां, मां जो है वो घोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, व्यंजन सा का उच्चारण स्थान क्या है, आपको सा का उच्चारण स्थान बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्धा, सा का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। अगला प्रश्न है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों संयुक्त वर्ण। अगला प्रश्न है, अनुनासिक अक्षर नहीं है, उत्तर हो जाएगा ग्या और पा,
ये अनुनासिक अक्षर नहीं है। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पांचों वर्गों में आने वाले जो वर्ण हैं वो क्या हैं? स्पर्श वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? आपको अघोष वर्ण बताना है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, सा, अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर बताना है आपको। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, आई और औ जो हैं वो संयुक्त स्वर हैं। अगला प्रश्न है, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? सही उत्तर हो जाएगा या, रा, ला और वा, विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में वर्ण संख्या क्या है? जो आपने वर्ग पढ़े होंगे, ट वर्ग, क वर्ग, इनमें वर्ण संख्या क्या होती है प्रत्येक में? तो प्रत्येक में होती है विकल्प नंबर 1, 5। प्रश्न है, इनमें संयुक्त वर्ण कौन सा है? आपको संयुक्त वर्ण बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 2, ज्ञा जो है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? इसका उत्तर हो जाएगा तालु से, विकल्प नंबर 1। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर होगा महाप्राण, द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण, 1, 3, 5 अल्प प्राण। अगला प्रश्न है, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्ग के प्रथम और द्वितीय जो वर्ग होते हैं वो अघोष होते हैं, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, का, खा, गा, फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फा। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन व्यंजन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, डा और ढा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में ज्ञा किस वर्ण के बाद आता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जा, जा के बाद आता है विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है, कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है? तो कौन से वर्णों को माना गया है वो वर्ण है अयोगवाह। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, छा, त्रा और क्या। अगला प्रश्न है, का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी हैं? आपको बताना है किसकी ध्वनियां हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, जल्दी से बताना उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरबी, फारसी की। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बना है? चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, आधा का और सा, है ना, का में हलंत है। अगला प्रश्न है, सवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा, विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न, कंठ से उच्चरित तो होने वाला वर्ग कौन सा है? आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा कवर्ग, विकल्प नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 2, दंत। अगला प्रश्न है, सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ये कई बार पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, तालु। अगला प्रश्न है, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है, ह्रस्व स्वर नहीं है बताना है आपको। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, ई, ह्रस्व स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वर कौन से हैं? आपको दीर्घ स्वर बताना है कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, आई, ओ
औ विकल्प नंबर चार सही हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण कौन सी है? तो उत्तर होगा विकल्प नंबर दो का गा, ये अल्प प्राण। हमने पढ़े थे 1-3-5 वर्ग के 1-3-5 अक्षर अल्प प्राण होते हैं, तो का और गा अल्प प्राण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है? आपको बताना है तालु से होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक ईसा उच्चा वर्ग, ये तालु से इनका उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन वर्णों का उच्चारण नासिका द्वारा होता है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर चार, इनमें से कोई नहीं। वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय इनका कोई का नहीं होता, वर्ग के पंचम अक्षर का उच्चारण नासिका द्वारा होता है, तो इनमें से कोई नहीं विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंतर आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कहा जाता है अकारांत। क्या कहा जाता है? अकारांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वर्ण का उच्चारण दंत नहीं है? आपको दंत नहीं बताना है, तो चार विकल्प में से एक का चयन करो। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर चार, टा का उच्चारण दंत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन आपने पढ़े होंगे, तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर एक, अंतस्थ व्यंजन है या रा ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पूरे 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं वर्णमाला से संबंधित, पूरे टेस्ट सीरीज पर आधारित थे। आता है कि आपने पूरे 40 के 40 प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे और आपसे पूरे 40 ही बन गए होंगे उत्तर सही। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो कमेंट में लिखें, और आपसे कितने बने हैं वो भी कमेंट में लिखें, और इसमें कहीं आपको दिक्कत आती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। इसी तरह से अन्य आने वाले जो भी वीडियो हैं टेस्ट सीरीज पर आधारित, तो आपके वीडियो रोज एक वीडियो आता ही है टेस्ट सीरीज पर आधारित, और भी अन्य वीडियो निरंतर अपलोड हो रहे हैं। इसी तरह से आपको चैनल पर बने रहना है और वीडियो को अपने व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम आदि सभी ग्रुपों में शेयर करते रहना है, ताकि अन्य लोगों तक जो है इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचे, ये वीडियो देख सकें, वो भी अपना आकलन कर सकें, है ना, टेस्ट सीरीज के आधार पर। तो सभी से आशा है कि इसी तरह निरंतर जो है वीडियो अपलोड करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, और आपने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। और दोस्तों एक और शिकायत आती है कि सर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, वीडियो अपलोड होने की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो दोस्तों आपको बता दें कि बेल आइकन का निशान दिया होगा सब्सक्राइब के बाजू में, उस बेल आइकन को आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी सबसे पहले, और सबसे पहले उस वीडियो को आप देख पाएंगे। तो इस तरह से आपको बेल आइकन को दबाना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। तो दोस्तों आज का एक वीडियो है जो आज यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।